जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग भाई, ठीक हो? सभी ठीक ठाक हो या नींद आ रही है? बता दो, अगर नींद आ रही हो तो मुझे भी आ रही है। नींद उड़ गई। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो नींद आपकी उड़ेगी, और जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा तो फिर सोने में भी आपका मजा आएगा। हाँ जी, वाई वालों के लिए भी है, वाई वालों के लिए भी है। चलो तो फटाफट क्वेश्चन देखो। तो 3 PDF आपके लिए है, एक बार फॉर्मूले देख लो पहली 5 मिनट में, फिर जो टाइप वाले क्वेश्चन है वो देख लीजिए, और फिर मिक्स क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है? लेकिन फाइल तो मुझे दो ही दी है। नेगी जी कहाँ गए? फाइल दो भाई, एक और है। 3 फाइल है उसमें, ये दो है, एक और बाकी है। खाना खा रहे थे? चलो तो भाई, फॉर्मूले आपको ये लास्ट टाइम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो तब भी आपको फॉर्मूले करवाए थे। चलो देखो, जल्दी से देख लो, अब एक बार ये फॉर्मूले रिवाइज कर लो 5 मिनट में जल्दी, और उसके बाद ये कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज ट्रिग्नोमेट्री में होता है। सीधा सीधा सा याद रखो, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, क्या कहते हैं भाई? बताते रहो बोल बोल के साथ साथ, क्या बोलेंगे? कर्ण, हाइपोटेनियस। 90 के सामने जो भुजा होगी ये, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर कोई कहे सबसे बड़ी भुजा, बताओ, हाइपोटेनियस हुआ कर्ण। और जो जिनके बीच में 90 डिग्री बनता है, जिनके बीच में 90 डिग्री बनता है, ये दोनों होते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। एक परपेंडिकुलर, एक बेस। अगर मैं इसको बेस कहता हूं, बीसी को आधार, तो इस पर जो ये खड़ा है तो ये लंब होगा परपेंडिकुलर। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें तो कुछ बताने की मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है? तो अब कुछ यहां पर टी रेसो देख लेते हैं। बात की उसने किसकी? साइन थीटा। साइन थीटा, पहले तो टी रेसो आपके याद होने चाहिए। टोटल कितने टी रेसो होते हैं? 6। साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। तो बात आती है साइन थीटा कौन कौन सी भुजा का अनुपात है। तो साइन थीटा किस किस भुजा का अनुपात होता है? पी और एच का, यानी पी बाई एच। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा सबको पता होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस रहा बी और ये हाइपोटेनियस रहा एच, तो ये क्या हो गया? बी अपॉन एच हो गया। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो यहां से एक चीज हमें और पता लग गई कि टेन थीटा एक तरीके से और बन जाएगा। कैसे? अगर साइन थीटा को डिवाइड कर दूं मैं किससे? कोस थीटा से, तब भी टेन थीटा बनता है। तो ये भी याद रखने लगे आ। तो हमने 3 चीजें देखी। साइन थीटा कौन कौन सी भुजाएं आई? लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोस थीटा में कौन सी भुजाई? बेस, आधार बटे कर्ण, हाइपोटेनियस। और टेन थीटा में कौन सी भुजाई? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात आती है इन तीन की, ये तीनों भाई है किसके? इन्हीं के, इन्हीं से बन जाएंगे। कैसे? टेन को उल्टा किया, उल्टा करते ही कोट मिल गया। अब आप कहोगे सर कैसे उल्टा किया? अरे पी अपोन बी था, पी अपोन बी का उल्टा लिख दो बी अपोन पी। सेक, कोस को उल्टा करते ही सेक मिल जाएगा। कोस को उल्टा करो, देखो करो इसको उल्टा, एच अपोन बी। और साइन को उल्टा करते ही कोसेक मिल जाएगा, देखो उल्टा करके एच अपोन पी, ठीक। तो पहली बात हमें ये पता चल जाती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड हैं उनका नाम क्या क्या होता है। और दूसरी बात हमें यहां से क्या पता चल जाती है कि जो हमारे पास 6 टी रेसो होते हैं, ये 6 टी रेसो किस किस भुजा का अनुपात होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो दूसरी बात इसमें चलो देखते आगे। दूसरा इसमें देखो, अब की बार थोड़ा सा डायग्राम बदल गया, बस वही डायग्राम है। फर्क क्या है? उसमें एबीसी लिखा था, देखो यहां भी एबीसी एज इट इज है। एबीसी एक ट्रायंगल है और यहां भी एबीसी एक ट्रायंगल है, ये भी। फर्क क्या है? उस वाले में थीटा एंगल कहां पे था? पॉइंट सी पे था। पिछले वाले डायग्राम में थीटा एंगल कहां था? ये पॉइंट सी पर थीटा था। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर थीटा था तो इसका नाम क्या हो रहा था? बेस। क्यों?
क्योंकि जिस भुजा पर एंगल बैठा हुआ होता है, विराजमान होता है, जिस भुजा पर एंगल लेटा हुआ होता है उसको आधार बोलते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु को रखने के लिए एक आधार की जरूरत होती है। अगर आप भी कहीं जमीन पे खड़े हो, आपको भी एक आधार की जरूरत है जिसका काम जमीन करती है। तो यहां पर देखो, ये थीटा जो है इसका, इसमें आधार का काम कौन करेगा? आधार, बेस का काम तो ये करेगा। इस थीटा में अगर थीटा यहाँ है तो बेस का काम ये करेगा, लेकिन अब की बार थीटा यहाँ नहीं है, ये तो पिछले डायग्राम में था। अब की बार थीटा कहाँ है भाई? अब की बार थीटा ये ऊपर बैठा है, ये रहा। अब की बार थीटा ऊपर है, अगर थीटा ऊपर है तो बेस का काम कौन करेगा? या तो ए बी या ए सी, या तो ए बी करेगा बेस का काम या ए सी करेगा। अब ए सी तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए सी तो 90 के सामने है, और जो भुजा 90 के सामने होती है वो सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ए सी तो हाइपोटेनियस होगी, यहाँ कर्ण होगा, तो इसका मतलब थीटा किस पर बैठा हुआ है? ए बी पर बैठा हुआ है। और अगर थीटा ए बी पर बैठा हुआ है तो आधार कौन हुआ? आधार ये हुआ ए बी। तो आधार मिल गया, 90 डिग्री दो भुजाओं के बीच में बनता है, आधार आपको पता चल गया। तो बचा क्या हुआ? कर्ण हुआ, सॉरी लंब हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ? हाइपोटेनियस। अब इसी के आधार पर आपको देखो यहाँ फॉर्मूले बताने हैं। कैसे? देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, पी अपोन एच होता है। अब पी अपोन एच कौन सी भुजा लोगे? ध्यान से लेना, अब की बार पी कौन है? पी कौन है? बी सी। और एच कौन है अब की बार? ए सी। तो साइन क्या बनेगा? बी सी अपोन ए सी बनेगा। कोस की बात करें तो कोस क्या बनेगा? ए बी अपोन ए सी बनेगा। ए बी अपोन ए सी क्यों बना? आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन क्या बनेगा? टेन लंब बटे आधार बनेगा। लंब बटे आधार मतलब बी सी अपोन ए बी। बाकी आप बता ही सकते हो, शुरू के तीन निकाल दिए तो आगे के तीन भी निकल जाएंगे। तो यहां से तो हमने क्या सीखा? वाई ग्रुप वाले भी ध्यान से देखते रहना, क्योंकि वाई ग्रुप में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू में मैं थोड़े आसान से क्वेश्चन ले लूंगा, फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है? तो मुझे ये बता दो कि आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, ये जो ट्रायंगल का सीन होता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप एंगल की पोजीशन चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? यहां देखो एंगल आपने थीटा लिया तो बेस ये था, एंगल यहां पे थीटा लिया तो बेस ये था, ठीक? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, ये क्लियर है ना? चलो आगे देखो, इसमें देखो फॉर्मूले, कुछ रिलेशन है जिनको याद रखना है। अब याद कैसे रखना है वो सुन लो भाई। अगर कहीं पर साइन थीटा है और आपको किसकी जरूरत है? कोसेक की। मतलब सीधा सीधा क्या कहा जा सकता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन थीटा मतलब वन अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक का उल्टा साइन होगा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो साइन का रिजल्ट तो वन अपॉन कोसेक, और कोसेक का रिजल्ट वन अपॉन साइन। और अगर इसको इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में ही ले आओ, तो गुणा करके क्या देंगे? वन। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी साइन को बदलना पड़े तो वन अपॉन कोसेक लिख सकते हो, अगर कोसेक को आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़े तो वन अपॉन साइन लिख सकते हो। और अगर ये दोनों भाई एक जगह बैठे मिल गए, साइन और कोसेक, तो दोनों एक दूसरे को काट के क्या दे देंगे? वन दे देंगे। ऐसे ही कोस और सेक के बीच में संबंध है, देख लो, कोस का उल्टा सेक, वन अपॉन सेक आया, और सेक का उल्टा कोस, वन अपॉन कोस आया, और अगर दोनों की गुणा हो गई तो वन आया। ऐसे ही टेन का उल्टा कोट होता है, वन अपॉन कोट, और कोट का उल्टा वन अपॉन टेन हो गया, और अगर दोनों की गुणा हो गई कोट और टेन की तो वन हो गया, ठीक है? तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलो अब आगे देखो, इसमें क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं, चतुर्थांश। तो ध्यान से फटाफट देखते चले जाओ एक बार। टोटल हमारे पास फोर क्वाड्रेंट होते हैं, चार चतुर्थांश होते हैं, और जो ये फोर क्वाड्रेंट हमारे होते हैं, ब्राइटनेस की प्रॉब्लम आ रही है, चलो देखते हैं भाई। लेकिन ब्राइटनेस तो इस पे कमी नहीं होगी भाई, ब्राइटनेस कम नहीं होगी इस पे, क्योंकि होगी भी तो मुझको करनी नहीं आती, और नेगी जी हमने बोल दिया कि सो जाओ। चलो देखो, तो ये क्वाड्रेंट होता है, चार हिस्सों में बढ़ता है, ये चार हिस्सों में 90-90 डिग्री के चार हिस्से। पहला हिस्सा होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का, जिसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। दूसरा होता है 90 से 180 तक का, तीसरा 180 से 270 तक का, और चौथा होता है 270 से 360 वापिस। ये पूरा एक चक्कर घूम जाता है, पूरा एक चक्कर घूमने पर ये कितना कवर कर लेगा? 360 डिग्री कवर कर लेगा। अब अगर 360 डिग्री से ऊपर की मैं बात करूं फिर से, तो मैं फिर से चक्कर लगाना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब ये हुआ कि मेरा एक क्वाड्रेंट 360 डिग्री का एक चक्कर हो गया। अब अगर कोई आपको कहे कि आपको 720 डिग्री जाना है, अगर 720 डिग्री जाना है दो बार पूरे चक्कर लगा दो,
अगर कोई आपको कहे 1080 डिग्री जाना है तो तीन बार पूरे चक्कर लगा दो। अगर कोई कहे आपको 1080 डिग्री से कम जाना है, 1080 डिग्री से कम जाना है तो दो चक्कर तो पूरे लगा लेना और तीसरा चक्कर उतना ही लगा लेना जितना बचा हुआ है। सपोज करो किसी ने आपको कह दिया 940 ही जाना है तो क्या करोगे, 360 का पूरा एक रिवॉल्यूशन, पूरा क्वाड्रेंट, अगला 360 का एक और पूरा 720। अब जाना कितना था 920, 720 जा चुके, बचा कितना 200, तो बचा 200 और चलना। तो जब 200 चलोगे तो कहां पहुंचोगे, तीसरे में पहुंचोगे, क्योंकि जब यहां से शुरू करोगे तो 180 के बाद 200 कहां पहुंचे, तीसरे में पहुंचे, तो जहां भी पहुंचोगे वहीं रुक जाना। ये क्वाड्रेंट का चक्कर है। चलो अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें पहला क्वाड्रेंट देखो 0 से 90 होता है, आपको बताई दिया था, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270 और चौथा 270 से 360। अब जो पहले वाला क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी टी रेशो इसमें उपस्थित होते हैं वो सारे पॉजिटिव होता है। इसका अगर शुद्ध देसी सा मतलब बता दूं तो क्या है कि भाई पहले क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सबका रिजल्ट धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है। कैसे, साइन 40 का अगर कोई मान पूछ ले तो 40 कहां एग्जिस्ट करेगा पहले में, तो उसका मान पॉजिटिव आएगा। अगर बात करें कोस 50, तो कोस 50 भी अभी ठीक आ रहा है, तो कोस 50 भी कहां आएगा, कोस 50 भी पहले में आएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं 1070, तो 1070 भी पहले में आएगा। तो जो जो भी पहले में विराजमान होगा वो धनात्मक मान आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर मैंने क्या कहा, अगर बात दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंची तो दूसरे वाले में किस किस का मान पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक का होता है। मतलब अगर एग्जांपल से समझाऊं, साइन 120 90 से बड़ा है तो साइन 120 प्लस कई मान आएगा, कोसेक 150, कोसेक 150 भी दूसरे में है प्लस कई मान आएगा। लेकिन उसके अलावा टेन कोट सेक कोसेक, ये चार ऐसे हैं कि जिनका मान क्या आएगा, नेगेटिव। कोई कहे कि सेक 150 बता दो, सेक 150 भाई इसी में विराजमान है तो नेगेटिव है। कोई कहे टेन 150 बता दो तो नेगेटिव है। तो दूसरे वाले में किस किस की वैल्यू पॉजिटिव, साइन और कोसेक की। ऐसे तीसरे वाले में किस किस की पॉजिटिव हुई वैल्यू, टेन और कोट की, और चौथे वाले में कोस और सेक की। तो ये तो मतलब इनका हिस्सा सा बट गया। पहले वाले में तो सारे पॉजिटिव थे, सारे ताकतवर थे, दूसरे वाले में साइन और उसका उल्टा कोसेक ताकतवर रह गए, तीसरे वाले में टेन और उसका उल्टा कोट ताकतवर रह गए, और चौथे वाले में ताकत किसके पास गई, कोस और सेक के पास। तो ऐसे रिलेशन से याद करते रहना इनको। अब चलो क्वाड्रेंट के बारे में एक दो बातें और देखते हैं, उसने क्या कहा है। 90 डिग्री और 270 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल बी चेंज। मतलब उसने ये कहा है कि जब भी साइन 90 प्लस थीटा आएगा या 90 माइनस थीटा आएगा या टेन 270 प्लस थीटा आएगा 270 माइनस थीटा आएगा, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की सिचुएशन आपको मिलेगी या 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा की सिचुएशन आपको मिलेगी, ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में ये चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा वो भी बताऊंगा। और जब सिचुएशन आपको 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा की मिलेगी, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा की मिलेगी, तो तब क्या होगा, तब ये चेंज नहीं होगा। अब ये चेंज नो चेंज का क्या चक्कर है देखो, मतलब साइन 90 प्लस थीटा तो ये चेंज हो जाएगा, 90 के साथ अगर बैठा है ना तो ये चेंज हो जाएगा कोस में, टेन 90 माइनस थीटा अगर टेन 90 के साथ बैठा है तो चेंज हो जाएगा कोट में, सेक भी 90 के साथ बैठा है तो कोसेक में। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं। तो कौन किस में चेंज हुआ, साइन कोस में, कोस उल्टा साइन में होगा, टेन कोट में तो कोट टेन में हो जाता है, सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में हो जाता है। ये यहां पर देखो वैल्यू जब आपने यहां पर देखनी है जो अभी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, पहले वाला देखो, पहले उसने पूछ लिया कि साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इनके रिजल्ट क्या होंगे। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान सा रूल है। आप एक बात आप ही सोचो कि यहां पर ये 0 डिग्री हुआ और ये 90, ये 180, ये 270 और वापिस पूरा चक्कर 360। ये आपने देखा, अगर मैं यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूं, अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो यहां पर क्या आएगा, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में गया, पहले क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, थीटा 20 30 50 कुछ भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन उसने किसकी बात की, माइनस थीटा।
माइनस थीटा का मतलब क्या है? माइनस थीटा का मतलब है कि आप ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हो, आप नीचे की तरफ आ रहे हो, क्योंकि 0 डिग्री है। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे पॉजिटिव अक्ष की तरफ तो मतलब थीटा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर आप नेगेटिव अक्ष की तरफ आओगे तो नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस थीटा कहाँ एग्जिस्ट करता है, याद रखना हमेशा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये आपको याद रखना है। माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में होता है। अब आप ही सोचो, अगर ये चौथे चतुर्थांश में हुआ माइनस थीटा, ठीक, तो चौथे में तो कौन कौन पॉजिटिव था? कोस का मान पॉजिटिव था और सेक का मान पॉजिटिव था। चौथे वाले में कौन कौन पॉजिटिव था? कोस का मान और सेक का मान, बाकी सारे नेगेटिव। आप ही देख लो, कोस का मान प्लस का आया है, सेक का मान भी प्लस का आया है, और बाकी सब देखो नेगेटिव आ गया, सब में बाहर निकल गया माइनस। इसमें भी बाहर निकला, इसमें भी बाहर निकला, इसमें भी बाहर निकला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी माइनस थीटा की बात आएगी, कोस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सारे रिजल्ट क्या होंगे? नेगेटिव। अब यहां पे बात कर लेते हैं 90 वाले केस में। देखो तो आपको मैंने यहां पर क्या बताया वो देखो, मैंने आपको अभी बताया था, सोने दो भाई इसको, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं 4 बजे। तो यहाँ पे टी रेशो के बारे में बताया था। देखो 90 माइनस थीटा का मैंने आपको केस क्या बताया था कि 90 वाले केस में चेंज होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, आपको साइन 90 माइनस थीटा का मान बताना है। तो आप ये देखो कि किसके साथ चिपका बैठा है, ये 90 के साथ, और जब भी 90 के साथ ये चिपका बैठा होगा तो साइन किस में होगा? कोस में। तो ये 90 के साथ चिपका बैठा है, देखो साइन 90 के साथ चिपका बैठा है। तो मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि जब भी 90 और 270 का केस होगा तो चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदला? कोस थीटा में। कोस 90 माइनस थीटा साइन में, क्योंकि चेंज तो सारा होना ही है। टेन किस में चेंज होगा? कोट में। कोट टेन में। सेक कोसेक में। कोसेक सेक में। तो 90 वाले केस में चेंज तो होना ही था, पक्की बात थी। बस ये और देख लो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 माइनस कौन सा होता है क्वाड्रेंट? 90 माइनस तो पहला होता है, 90 से छोटा। अगर ये पहला होता है तो पहले में सारे पॉजिटिव, इसीलिए तो देखो सारा पॉजिटिव का पॉजिटिव है। तो रूल अगर पिछले पता है तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद रह जाएगा आपके। देखो फिर 90 का केस आ गया, अगर फिर 90 का केस आ गया, साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, क्योंकि बात 90 वाली है। और अगर 90 का केस होगा तो ये चेंज होना ही होना है। तो देखो 90 वाले केस में ये फिर बदल गए फिर। अब बात क्या आई, अब बात आगे जाके ये आई कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है 90 प्लस। 90 प्लस का मतलब है 90 से बड़ा। तो 90 से बड़ा 90 प्लस कौन सा होता है? सेकंड। अब सेकंड में किस किस के मान पॉजिटिव होते हैं? सेकंड में किस किस की वैल्यू पॉजिटिव होती है? साइन की और कोसेक की। तो साइन की वैल्यू ये है न कि ये यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये पॉजिटिव नहीं होगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो साइन की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस थीटा ही आएगी ना, तो साइन वाले की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोसेक वाले की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे नेगेटिव क्यों गए? क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में बाकी तो नेगेटिव होते हैं। ऐसे यहां पर 180 को देख लो। पहली तो बात 180 और 360, 180 और 360 ये दो ऐसे केस थे जिनमें चेंज नहीं होता था, तो इसलिए साइन 180 वाला केस साइन ही रह जाएगा, कोस 180 वाला केस कोस ही रह जाएगा, 10 180 वाला केस 10 ही रह जाएगा, सारे एज इट इज रह गए। अब 180 माइनस लाई कहां करता है? 180 माइनस बताओ आप ही, 180 माइनस देखो, 180 माइनस ये होता है 0 90 180। 180 माइनस इसके अंदर, यहां तो 180 माइनस सेकंड में लाई करता है। अब सेकंड में फिर से किस किस की वैल्यू पॉजिटिव? साइन और कोसेक की पॉजिटिव, साइन की पॉजिटिव और कोसेक की पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। ठीक, इसी प्रकार 200 का मान पूछ ले, बातें मत करो भाई, ठीक है, वरना 1 घंटा मुर्गा बनाया जाएगा तुम्हें। ठीक, हाँ क्यों नहीं आएगा, अभी तो वैल्यू है सीधी। अरे अच्छा ये बड़ा है भाई, वाहिगुरु वाले सुन लो, जो जो देख रहे हो ऑनलाइन, ये बिल्कुल फॉर्मूले है सीधे सीधे, और फॉर्मूले आपके पूछे गए है। लास्ट में भी साइन 15 का मान पूछा था आपसे, ठीक, तो फॉर्मूले तो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लायक नहीं होगी वो सेवा आपको बता दी जाएगी, फॉर्मूले तो करने ही करने हैं। तो ये देख लो, 360 से बड़ी वैल्यू अगर वो आपसे पूछ ले, मतलब सपोज करो उसने 1100 की वैल्यू पूछ ली, अब अगर वो 1100 की वैल्यू पूछ लेगा तो फिर तो आपको जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर लोगे 360 में नेचुरल नंबर की, क्यों?
क्योंकि चक्कर ज्यादा बना दोगे ना। अब उसने कहा कि 1080 का मान बताओ। अब 1080 का मान बताने के लिए क्या करोगे, 1080 का मान बताने के लिए एक चक्कर 360 का। अब आपको तो 1080 बताना है, फिर एक चक्कर और लगाओगे आप, 360 का एक और लगाया तो आप 720 पे पहुंच गए। अब आपको 1080 जाना है तो एक चक्कर आपने और लगाया 360 का तो पहुंच गए 1080। ठीक, तो आपने 360 के कितने चक्कर लगाए, तीन, तो इसीलिए एन इंटू लिखा है इसको। एन क्या है यहां पे, नेचुरल नंबर है। तो फॉर्मूला क्या बना कि जब भी वो 360 से बड़ा मान पूछेगा ना तो आप वहां कौन सा रूल लगाओ, 360 प्लस थीटा वाला लगाओ। बस फर्क क्या जाएगा, 360 में गुणा हो जाएगी, चक्कर बन जाएंगे 360 के, जितनी बड़ी वैल्यू है वहां तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो उसने आपको दे दिया, अब वाई ग्रुप में देखो ये पूछ लिया जाता है, साइन 1050 का मान बताओ, ये पूछा जाएगा साइन 1050 का मान बताओ। अब साइन 1050 का मान ऐसे तो है नहीं कि आप वैसे ही बता दोगे रटा हुआ है आपने वहां तक, अब आपको इस फॉर्मूले की हेल्प चाहिएगी। साइन 1000 का 1050 बताना है, पहले देखो 360 के कितने चक्कर बने हैं, 360 के 360 60 के तीन बन रहे हैं, तो तीन चक्कर तो पूरे बने। अब तीन चक्कर लगाने के बाद आप कहां खड़े हो, एक दो तीन, आप वापिस वही खड़े हो शुरू में, तो तीन तो लग गए 360 के, 1080 बचा कितना, माइनस 30, आपको 30 पीछे आना पड़ा। अब इसमें तीन का कोई रोल नहीं है, इसमें इस तीन का कोई रोल नहीं है, बस इसका तो इतना बताने का था कि कितने चक्कर लगे, बाकी तीन का कोई रोल नहीं, एन का कोई रोल नहीं। अब आप ये देख लो सीधा सा, अब ये किसका फॉर्मूला लगाओगे आप, इसका किससे कंपैरिजन करोगे, साइन 360 माइनस थीटा से कंपैरिजन करोगे, इससे तुलना करोगे आप इसकी। अब जब आप इससे तुलना करोगे, 360 में चेंज होता था या नो चेंज, 90 और 270 में चेंज होते थे टी रेशो, 180 और 360 में टी रेशो चेंज नहीं होते थे, तो 360 में टी रेशो चेंज नहीं होता था, साइन थीटा ही रह जाता था, और यहां पर साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन 30। लेकिन बस एक बात देखनी है, 360 माइनस थीटा कौन से में लाई करता है, चौथे में, अगर ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो चौथे में किस किस का मान पॉजिटिव होता है, सेक और कोस का, तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ, माइनस हुआ। अब इसका आंसर आप बता सकते हो माइनस का हाफ, अगर वैल्यू टेबल याद है तो। इस तरीके से इनका यूज होगा, तो भाई यूज तो इनका करना पड़ेगा आपको, तो ये तो मत सोचो कि वाई ग्रुप में यहां पर नहीं आएगा, वाई ग्रुप यहीं आएगा, आधे घंटे बाद जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं आने, शुरू वाले आने हैं। देखो मानोगे तो आराम आराम से मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे वही काम करोगे रामपाल वाला कि बकरी के कितने थन होते हैं, ठीक है। देखो अब देख लो, तो यहां पर देखो अब वैल्यू टेबल, अब वैल्यू टेबल याद कर लेना भाई, इसको करना ही करना पड़ेगा, और वाई ग्रुप वाले तो खासकर याद करना, कभी कभार तो वो ऐसा हंसी खेल कर देते हैं वाई ग्रुप वालों के साथ, 10-30 का मान पूछ लेते हैं। अब 10-30 का मान पूछ लेते हैं, और कुछ इतने खूंखार होते हैं कि 10-30 का मान भी ऐसे निकालते हैं, 10-30 को लिखते हैं 10-60 माइनस 30, फिर कहते हैं सर 10-30 का मान पूछा था, क्या लिख क्या 10-60 माइनस 3 से करके आया, ठीक है। अब अगर 30 का मान डायरेक्ट याद नहीं तो 60 माइनस 30 से क्या खाक करके आएगा भाई, ठीक है। तो ये वाई ग्रुप वाले जो बचते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री से, तो भाई थोड़ा तो कर ही लेना। देखो भाई साइन के मान सीधे याद रखना, साइन 0 डिग्री 0 से और एक होगा एंड में, साइन 0 डिग्री 0, साइन थोड़ी सी बात आधा, साइन 45 और बड़ी थोड़ी सी 1/√2, साइन 60 और थोड़ा सा बड़ा 3/√2, साइन 90 पहुंच गया कहां पे 1 पे, तो साइन में आपने देखा 0 से स्टार्ट हुई बात और कहां पे जाके रुकी 1 पे। बात आई अब कोस की, अब कोस का रिजल्ट बताना है तो पीछे से इसकी पूंछ पकड़ो और इसको घुमा के पटक के मार दो आगे, तो जब आप इसको आगे पटक के मारोगे तो इसका बिहेवियर आपको देखना है कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। तो हमने इसको यहां से पकड़ा, पटक के हमने यहां लापटका, तो पटकते ही 1 आया शुरू में, ये वाला सेकंड पे, ये वाला यहीं रह गया, ये वाला जो था ये फोर्थ पे पहुंच गया, और जो ये शुरू वाला था ये यहां पहुंच गया, ठीक। तो साइन वालों की जो पूंछ थी वो पकड़ के आगे से शुरू कर दी, आंसर कोस के आ गए। अब टेन आपको पता ही था, टेन क्या होता है, टेन साइन को जब कोस से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, टेन आता है, तो आप ही देख लो 0/1 0,
हाफ अपॉन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू अपॉन वन अपॉन रूट टू, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू तो रूट तीन, वन बाई जीरो इन्फिनिटी, ठीक है। और इसको इन्फिनिटी मत बोलना, अनंत वैसे बोल देते इसको नॉर्मली, लेकिन ये नॉट डिफाइंड होता है, दोनों में फर्क है। ये नॉट डिफाइंड होगा यानी कि अपरिभाषित होगा, दोनों में फर्क है। देखो भले ही रिजल्ट इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी का मतलब होता है ज्ञात रिजल्ट, मतलब जिसपे रिसर्च हुई हो और जिसके बारे में हमने एक रिजल्ट निकाल के दे दिया हो कि इसका रिजल्ट इन्फिनिटी अनंत तक ऐसे चलेगा। जबकि वन बाई जीरो क्या हुआ, वन बाई जीरो क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ऐसा क्रिटिकल मुद्दा है कि जितने भी आज तक वैज्ञानिक पैदा हुए हैं सारे चुपचाप पैदा हुए, चुपचाप मर गए, पर इस पे नहीं बोले। तो इसका मतलब होता है कि जिस पर किसी ने कोई परिभाषा ही ना दी हो, मतलब जिससे सब बचे हो, तो वन अपॉन जीरो एक ऐसा ही रिजल्ट है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, कोई परिभाषा नहीं है, इस पर कोई रिसर्च आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कोट, कोट को कैसे बताओगे, टेन वालों की पूंछ पकड़ के आगे पटक दो, पीछे से, पीछे से पकड़ो टेन को, वहां पटको, तो पीछे से पकड़ के नॉट डिफाइंड, फिर रूट थ्री, फिर वन, यही रह गया वन बाई रूट थ्री जीरो। अब बात आई किसकी, सेक की। अब सेक तो आपको पता है, भली बात ही, कैसे पता है, सेक तो कोस को उलट दो, जैसे कोस को उल्टोगे, कोस को उल्टा करोगे तुरंत पता लग जाएगा, कैसे, चलो करो उल्टा कोस को, वन को उल्टा किया तो वन ही आएगा, रूट थ्री बाई टू को उल्टा किया तो टू बाई रूट थ्री आएगा, वन बाई रूट टू को उल्टा किया तो रूट टू आएगा, हाफ को उल्टा किया तो दो आएगा, जीरो को उल्टा किया तो नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि जीरो के अपॉन में क्या होता है, वन, जीरो के अपॉन में क्या होता है, वन, और अगर इसको आप उल्टा करोगे तो आप ही देख लो जज्बात बदल जाएंगे, वन अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड। तो सेक पता लग गया, सेक को या तो पीछे से पकड़ के खींच लाओ, कोसेक आ जाएगा, या फिर साइन को उलट दो, साइन को उलट दो। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सीधा सीधा देखो क्या ध्यान रखना है, साइन जीरो टेन जीरो का मान जीरो होता है, साइन जीरो टेन जीरो का मान जीरो होता है, कोस जीरो सेक जीरो का मान क्या होता है, वन, कोस जीरो सेक जीरो का मान क्या होता है, वन, कोट जीरो कोसेक जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक। ऐसे नब्बे वाले और याद रखना, अगर नब्बे वाले याद रखूं, साइन और कोसेक दोनों वन, कोस क्या हुआ था जीरो, सेक आके क्या था आपका, कोस और कोट, कोस और कोट क्या थे जीरो, और टेन और सेक क्या है, नॉट डिफाइंड। इनको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब क्वेश्चन आप करते हो, वैल्यू वगैरह पुट करते हो, तब इनकी जरूरत आपको पड़ती है। चलो भाई, तो वैल्यू टेबल आपके याद पहले से ही है, मुझे लग रहा है होनी भी चाहिए भाई, ये फॉर्मूले इनको तो घोट के पी जाना, इस पे मैं ज्यादा विचार नहीं करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सीधा रिजल्ट होता है वन, ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमी का है। अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा के बारे में बताना है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा के बारे में आपको बताना है ये, तो इसको तो इधर ही रख लो, इसको इधर रख लो, बाकी को उधर भेजो, तो ये मिल जाएगा। तो इसकी कब जरूरत पड़ती है, जब आपको साइन को भगाना है और कोस को लाना है, ठीक, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखो ये वाला, जब आपको कोस की जरूरत है, सॉरी, जब आपको कोस को भगाना है, साइन को लाना है, ये लगेगा। इसी प्रकार ये फॉर्मूले याद रखने हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक, सेक स्क्वायर थीटा वन उधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो ये बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है जो आपके याद होनी चाहिए, पीडीएफ डाल दूंगा, इसको याद कर लेना। ये कुछ फॉर्मूले है वाई ग्रुप वाले जो है उनके पेपर में सीधे पूछे गए हैं, सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस पे। साइन ए प्लस बी आप सभी को पता ही होगा, सम वाला फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये रहा। तो ये बताओ जो ये ए प्लस बी वाले फॉर्मूले है, शुरू के साथ, शुरू के जो सात फॉर्मूले सभी को याद है, जल्दी से एक बार मुझे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो और बता दो, क्योंकि इन पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अगला पेज ले लेते हैं तुरंत। हाँ, तो एक का तो आ गया, याद है, चलो बाकी भी बता दो, मैं पानी पी लेता हूं दो घुट। अच्छा जी, याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, ज्यादा ज्यादा याद करो भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं करना, पूरा याद है, ठीक है। चलो, तो इसमें आप एक याद रख लेना, बस आप इसमें याद रख लेना, आठवां नौवां, सॉरी नौवां और दसवां, नौवां और दसवां याद रख लेना,
हालांकि सातवां आठवां भी सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, सातवां आठवां हम जल्दबाजी में गलत कराते हैं, लेकिन आप इसमें कौन कौन सा नोवा और दसवां याद रख लेना। जो नोवा है 10 45 प्लस थीटा, इसके दोनों रिजल्ट याद रखना, क्वेश्चन आते हैं इस पर। एक रिजल्ट तो क्या दे याद रखना, 1 + 10 थीटा अपॉन 1 - 10 थीटा, और अगर साइन कोस में याद रखोगे तो कौन सा याद रखना, कोस प्लस साइन अपॉन कोस माइनस साइन। बेरोजगार अड्डा कहां से आ गया भाई। चलो तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, जब क्वेश्चन में आएंगे ना तब पूछूंगा आपसे, बस देखो और याद कर लो, फोटो खींच लो नजरों में, इतना टाइम नहीं है कि पूरे फॉर्मूले कराओ, वरना 3-4 दिन में होगी फिर ये। हाँ, 10 45 माइनस थीटा का भी फोटो खींच लो अपनी नजरों में, खिंच गया ना, नौवा और दसवां बता दो फटाफट। हाँ जी, जल्दी जल्दी कराना है इसीलिए तो बोल रहा हूं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट, क्लियर है ना, जल्दी से मैसेज कर दो बस मुझे, क्लियर है, कमेंट करो। हो गया याद, 9 और 10 याद हो गया भाई तुम्हारे भी, शुभ लाभ, हो गया याद, ठीक है। चलो ये और फोटो खींच लो, खासकर वाई ग्रुप वाले, सीधे मान पूछे जाते हैं, यहां पे रगड़ेगा वो आपको, या तो 15 के मान पूछेगा या 18 36 के, ठीक है, या तो 15 के या 18 36। इसके बाद बस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद फटाफट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। सभी के याद होगा साइन 18 का मान, बस एक चीज याद रखना, बहुत से क्या गलती कर देते हैं, डाली जाएगी पीडीएफ सारी की सारी आपके ग्रुप में, टेंशन मत लो। साइन 18 और कोस 18 में एक चीज कंफ्यूज मत हो जाना, कभी ये सोचो साइन 18 वाले में माइनस आ गया तो कोस 18 वाले में प्लस आना चाहिए, ना, बिल्कुल अलग है दोनों मान। साइन 18 √5 - 1/4 है, तो इसकी तुलना कोस 18 से ना करो, कोस 36 से करो। साइन 18 जैसा मान कोस 36 का मिलेगा, देखो ये रहा, साइन 18 जैसा ही है ना बिल्कुल, बस साइन वालों में माइनस और कोस वालों में प्लस, और कोस 18 वाला साइन 36 जैसा है, कोस 18 वाले में प्लस साइन में माइनस, वो आपको पता ही है, साइन वाले में बीच में माइनस आता है और कोस वालों में प्लस आया करता है, तो इनको याद रखना ये रहे। अपोन में तो सब में 4 है, जहां भी 36 और 18 की बात आएगी अपोन में तो सब में 4 है, बस ऊपर वाला केस थोड़ा आपको याद रखना है, उसमें √5 - 1 √5 + 1, और एक ये याद रखना, अगर ऐसे याद ना हो दूसरे तरीके से कर लो, रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 2 × 20, पहले रूट के अंदर 10 प्लस फिर अंदर फिर रूट 20, रूट 10 प्लस रूट 20, 10 का 2 गुना, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक। ये आ गया जी साइन 22.5, साइन 22.5 को भी याद रख लेना सीधा सीधा, साइन 22.5 को भी डायरेक्ट याद रख लेना, ये भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। साइन 22.5 को सीधा सीधा, इसको कैसे याद रखोगे, 18 वाले में बटे में क्या था, 4 था, 22.5 वाले में बटे में क्या है, 2 है, ठीक है, 22.5 वाले में बटे में 2। साइन का जिक्र आया तो बीच में माइनस, में बोल ही रहा हूं साइन वाले में माइनस आता है, कोस का जिक्र आया तो बीच में प्लस, याद कैसे रखोगे, सीधा है, रूट के अंदर 2 माइनस फिर रूट 2, रूट के अंदर 2 प्लस फिर रूट 2, तो इस तरीके से थोड़ा सा इनकी इमेज बना के अपने माइंड में, और इस तरीके से याद करना, याद रह जाए, ऐसा ना फिर वहां पे भटकते जाओ, फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक। ये 10-12 मान तो आपके सीधे सीधे याद होने चाहिए, 15 वाले रह गए शायद इसमें, तो 15 वाले चलो आप बता देना, शायद लिखे नहीं आ मैंने, चलो कोई बात नहीं, तो मुझे बताओ भाई जो आप लोग बैठे हो यहां पर, साइन 15 का मान बता दो। हाँ जी, साइन 15, साइन 15 का √3 - 1/2 √2, और कोस 15 √3 + 1/2 √2, कोई नहीं बताएगा, अब की बार शुभ लाभ बताएगा। हाँ जी शुभ जी, 10 15 मुझे पता है कराओगे तुम बेइज्जती, 2 - √2 √3 बोल दिया तुमने, ये तो कुछ नहीं बोल रहा था, आप ही बोल रहे थे, चलो तो कोट 15 क्या होगा, 2 + √3। अब देख लो भाई रिलेशन क्या आया, रिलेशन क्या बना, जब बात आई 18 और 36 वालों की तो बटे में क्या था, 4 था, जब बात आई 22.5 की तो बटे में क्या था, 2 था, और जब बात आई 15 की तो बटे में क्या था, 2 √2 था, ठीक। तो ऐसे याद रखना है, 36 वालों में अपोन में 4 आता है, 22.5 वालों में अपोन में 2 आता है, और 15 वालों में अपोन में 2 √2 आता है, हुए तीनों अलग अलग।
अब और को कैसे याद रखेंगे, ऊपर वालों को, ऊपर वालों को यहाँ पे रूट फाइव का जिक्र चल रहा है ज्यादातर में, ठीक है, 22.5 वाले में दो का जिक्र चल रहा है ज्यादातर में, ठीक, और यहाँ पे 15 वालों में रूट तीन का जिक्र चल रहा है। तो तीनों को एक साथ रख के, तीनों को घूर घूर के देखो, और जब तक घूर घूर के देखो जब तक कि आपको ये बिल्कुल कंठस्थ ना हो जाए किसमें कौन कौन लगाता है, ठीक। और एक चीज और, ये मत कह देना कि सर उसने तो अब की बार अधिक कर दी, 72 डिग्री का मान पूछ लिया, आपने तो 18 और 36 कराया था, यहीं से 72 भी बनता है, साइन 18 को कोस 72 भी बोलते हैं, कोस 72। ये मत कह देना कि सर 72 पूछता फिर भी बता देते, अब की बार तो 54 पूछ लिया, ठीक। साइन 36 को कोस 54 भी कह सकते क्वाड्रेंट की हेल्प से, ठीक। तो ये 18 वाले 72 के भी होते हैं, और ये 36 वाले 54 डिग्री के भी मान होते हैं, और ये 15 वाले 75 और 105 के भी होते हैं। 15 डिग्री वाला 75 का भी होता है, और 15 डिग्री वाले की सहायता से 105 भी निकलता है, और 105 डिग्री का तो कई बार पूछा गया है। कैसे पूछा गया है, ये पूछ लेता है कि साइन 105 डिग्री बताओ, अरे पहले इसको ब्रेक कर लो 90 प्लस 15 में, हो गया साइन 90 है तो चेंज होगा कोस, तो एक कोस 15 बनेगा क्वाड्रेंट के अनुसार। अब आप ही सोचो कोस 15 का मान तो आपको पता था, √3 + 1/2। कुछ बेवकूफ ऐसे भी होते हैं कि क्या करेंगे, साइन 105 को ब्रेक करेंगे साइन 60 + 45 में, फिर सोल्व करेंगे। अरे छोटी छोटी चीजें तो याद रखो, अब ये बच्चों वाली चीजें भी याद नहीं रखोगे, और उम्मीद आप रखते हो कि हमारा तो पेपर में 50+ आना चाहिए, तो ये तो फिर सीधी सी बात अत्याचार है। चलो ये आ गए भाई, ये आ गए डबल वाले, ये डबल वाले आ गए, डबल वाले एक बार मुझे देख के बता दो, आंखों आंखों में को निकाल लो, याद है क्या फटाफट, जो मेरे साथ स्टूडेंट बैठे हैं वो तो बोल रहे हैं हमारे याद है, आप भी बता दो, मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा आगे बढ़ेंगे, मुझे जल्दी बता दो ये फॉर्मूले याद है क्या आप सबके, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री में कराना स्टार्ट भी कर दो। चलो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन ले आता और क्वेश्चन स्टार्ट करा देता। श्रीमान करते कैसे आप क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, अब फॉर्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन कहां से हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। चलो चलो याद है ना सबके, हाँ हाँ, आप तो वाई ग्रुप वालों पर ध्यान दे रहे हो, सब पे ध्यान चल रहा है, इसी में थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अब बारात करनी है पहले मंडा तो करोगे, या सीधा बारात में जाओगे, पिटना है क्या किसी के यहां जाके, है भाई। अब वाई ग्रुप का आसान है तो शुरू में आसानी तो पढ़ाएंगे। चलो सबको क्लियर है ना, हाँ जी। साइन 2a का फॉर्मूला, एक तो ये रहा 2 sin a cos, एक tan के पदों में, जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, काफियों के याद नहीं होता, तो tan वाला तो जरूर रख लेना। cos 2a में देखो, एक तो ये हुआ, एक फिर ये हुआ, इसका मतलब ये कब होगा, जब आप पूरे फॉर्मूले को cos में देखना चाहते हो, फिर ये हुआ जब आप पूरे को साइन में देखना चाहते हो, कैसे हुआ क्यों हुआ शुरू के फॉर्मूले से पता चल जाएगा, फिर एक हुआ tan में। अब जो ये tan वाला है ना, ये जरूर याद रखना, ये मत बोलना, और ये tan 2a का ये tan में होता ही है। अब बच्चा कहां कंफ्यूज होता है, बच्चा पहले फॉर्मूले में जो ये वाला है इसको और इसको, इसमें भूल जाता है फॉर्मूला, भूलना नहीं है, सीधी सी बात याद रखो, जब साइन पूछ रहा है तो बटे में क्या आना चाहिए, हाइपोटेनियस, साइन का जिक्र है तो बटे में कर्ण होगा ना, और अगर बटे में कर्ण होगा तो बड़ी भुजा तो बीच में प्लस, ठीक, और जब टेन की बात आई तो बटे में क्या होना चाहिए, बेस, अगर बटे में बेस होना चाहिए तो माइनस, तो जहां बेस की बात है तो वो छोटा हो गया रिजल्ट, और जहां कर्ण की बात है बड़ा हो गया रिजल्ट। ऐसे ही यहां कोस 2a में बटे में क्या होना चाहिए, कर्ण, अगर बटे में हाइपोटेनियस चाहिए, कर्ण चाहिए, तो ये प्लस वाला आ गया। तो ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके याद रखो फॉर्मूले। चलो ये और बता दो, वो साइन 2a वाले थे उन्हीं से बने, ये हाफ एंगल में आ गए, बस क्या फर्क आया, अरे साइन 2a वालों में क्या यूज हुआ था, a, तो साइन a वाले में क्या यूज हो जाएगा, a by 2, देखो बेवकूफ बनाने वाली बात है सीधी सीधी, 2a से में 2a वाले में क्या आया, a, 2a वाले में a यूज हुआ, अब ये हाफ एंगल है, a वाले में by 2 यूज हुआ, तो साइन a का क्या गया, a by 2 यूज होके आ गया, यहां भी देख लो a by 2 यूज हो गया, cos a में a by 2 यूज हो गया, tan a by 2 यूज हो गया, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो हाफ एंगल वही कर दिया। आइए याद रख लेना भाई, ये इनको देखो एक बार घूर घूर के, सारे देख लो इनको, अपनी उसी नजर से देख दो इसको, घूरने वाली नजर से देखो, ठीक, ये सीधे याद रखने आपको रिजल्ट,
कोस स्क्वायर ए का अगर कभी भी आपको रिजल्ट बताना हो, पहले तो इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, यहां मैं टाइम लूंगा जरूर 2-3 मिनट, इसको सुन लो। सपोज करो वो आपसे कोस 22.5 का मान पूछता है, कोस 22.5 का मान पूछता है, तो कोस स्क्वायर 22.5 का मान निकाल लो आप। कोस स्क्वायर 22.5 का मान कैसे निकलेगा, 1 + cos 45 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 45 कैसे हुआ, अरे कोस 22.5 का मान निकाल रहे हो तो ए की जगह 22.5 है तो 2a की जगह क्या हुआ, 45 हुआ ना। तो अगर कभी वो आपसे 22.5 का मान पूछे तो वो इससे ही आता है, ठीक। अगर वो साइन 22.5 का मान पूछे तो वो इससे ही आता है। अगर वो आपसे फिर वही बात 22.5 का मान पूछेगा तो इससे आता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये तो दो तो याद रखना ही रखना, ये दो, ये भले ही छोड़ दो आप एंगल वाले, ये दो तो याद रखना। कैसे याद रखोगे, सुनो, जब कोस स्क्वायर ए का मान पूछा जाता है तो 1 + cos 2a आता है, 1 के साथ + cos 2a आता है, और जब साइन स्क्वायर ए का पूछा है तो 1 के साथ - cos 2a आता है। और वैसे बता चुका हूं जब भी कोस का जिक्र आएगा प्लस, साइन का आएगा तो माइनस। तो कोस स्क्वायर का पूछा तो 1 के साथ प्लस, और अगर साइन स्क्वायर ए का पूछा तो 1 के साथ - cos 2a, और अपॉन में 2 है ही, ठीक। अब अगर स्क्वायर ना बताना हो तो रूट कर देना, इधर स्क्वायर ना बताना हो रूट कर देना, आ गया आंसर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर क्वेश्चन बनता है आपका सीधा। साइन 3a को देख लो भाई, साइन 3a के फॉर्मूले रट के जाना, वाई ग्रुप वाले स्पेशल फॉर्मूले रट के जाना, ठीक है। हाँ, तो आया साइन 3a का 3 sin a - 4 sin³a, कोस 3a का 4 cos³a - 3 cos a, टेन 3a का 3 tan a - 10 cube upon 1 - 3 tan² a। अब इसमें बच्चा कहां भूलता है, मैं वो भी बताता हूं। इसको कभी नहीं भूलता बच्चा, ना इसको भूलता, इस वाले को भूलता है। और इस वाले में भी क्या चीज भूलेगा, नीचे ये भूल जाता है कि नीचे क्या आएगा। तो इसको याद रखने का आसान सा तरीका है, टेन 3a वाले में जहां भी जिक्र आएगा 3 का ही आएगा, टेन 3a वाले में जहां भी जिक्र आता है वो 3 का ही आता है, 2-4 नहीं आता। यानी यहां 3 यूज करना है या 2 यूज करना है, कंफ्यूज मत होना, 3 यूज होगा, ठीक। अब एक तरीके से कैसे याद रख लो, ऊपर क्या आया देखो, यहां भी गुणा में क्या आया, यानी कोफिशियंट 3 आता है, 3 के अलावा कुछ नहीं आता। तो यहां भी देखो कोफिशियंट क्या आया, 3 tan a आया, यहां भी कोफिशियंट क्या आया, 3 आया। बस इतना याद रखना, यहां आया 3 tan a - 10 cube a, अपॉन में आया 1 - 3 tan² a, यानी सिर्फ a की जगह 2 दिखेगा, और वो 2 कहां दिखेगा, अपॉन में पावर में दिखेगा। तो इस तरीके से इसको याद रखना, भूलना मत। इनको देख लो भाई, ये भी सीधे याद रख रहे हैं फॉर्मूले आपको, वाई ग्रुप वाले इनको छोड़ सकते हैं, ये फॉर्मूले नहीं आते वाई ग्रुप में। साइन सी प्लस साइन डी का 2 sin C + D/2 × sin C - D/2, C - D cos C + D cos C - D, कैसे याद रखोगे सुन लो। यहां पर देखो ये आया साइन सी प्लस साइन डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह साइन पूरा पूरा ताकतवर है, साइन के पास पूरी ताकत है। पूरी ताकत क्यों है साइन के पास, क्योंकि बीच में प्लस है, तो यहां साइन के पास पूरी ताकत है। अगर साइन के पास पूरी ताकत है तो पहले कौन आया, साइन ही आया, 2 sin C + D आया। साइन के पास ताकत थी तो यहां पर देखो साइन ने अपनी पावर का यूज करके सी प्लस डी के साथ बैठ गया। माइनस वाले में किसके पास ताकत होगी, कोस के पास, साइन कमजोर पड़ गया। अब साइन कमजोर पड़ गया तो कोस आ गया देखो पहले सी प्लस डी के साथ। तो कैसे याद रखना है कि जब साइन प्लस है तो ताकतवर होगा, तो 2 sin C + D/2 आएगा, साथ में cos C - D/2। यहां साइन हल्का पड़ गया तो उसका जो जगह थी कोस ने कब्जा ली, तो कोस सी प्लस डी आ गया और वहां साइन सी माइनस डी, कोस सी प्लस कोस डी। यहां कोस पूरा पूरा ताकतवर है, अगर कोस पूरा पूरा ताकतवर है तो यहां पर भी 2 cos C + D/2 cos C - D/2। और एक बात और भी होती है, कोस साझा नहीं देता किसी को, कोस का सीधा फंडा या तो मैं या तू, ठीक। तो प्लस वाले में तो कोस ने खुद पार्टिसिपेट किया दोनों जगह, जबकि माइनस वाले में ये कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया तो कौन आ गया, साइन आ गया, साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन साइन ये सी प्लस डी बाई टू था, ये डी माइनस, इसको ये लिख लो सी माइनस डी, माइनस बार लगा लो। तो ऐसे याद रख लो ना कि इसमें क्या बना, साइन सी प्लस डी बाई टू बना और साइन सी माइनस डी बाई टू बना, बस ये नेगेटिव आ गया, वो डी माइनस ही होता है ना, तो मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये फॉर्मूले ऐसे याद रखने हैं। एक्स ग्रुप वालों को तो भाई सब कुछ याद होना चाहिए, जितना पढ़े उतना कम एक्स ग्रुप के लिए। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सीधे फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का सब जानते हैं, साइन ए माइनस बी का सब जानते हैं। खुल के क्या कटेगा, सेकंड वाली टर्म कटेगी, अगर सेकंड वाली कटेगी तो फर्स्ट बच गई 2 sin a cos b, इसमें फर्स्ट वाली कटेगी सेकंड बच गई 2 cos a sin b, इसमें फर्स्ट वाली बच गई 2 cos a cos b,
इसमें सेकंड वाली बच गई माइनस टू साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले भाई याद होने चाहिए आपको, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे के सारे। मुझे एक बार ये बता दो सभी के याद है ना ये, फिर बस आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो इसका रिजल्ट हाँ ये फॉर्मूले रह गए भाई बीच में दो, इनको और देख लो बीच में दो रह गए। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का कोई फॉर्मूला पूछेगा ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या बताना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। जैसे एलजेब्रा का नहीं होता दो वर्गों का अंतर, ऐसे ही साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, जबकि दूसरे में नहीं होता ऐसा। ऊपर वाले में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होगा, कोस वाले में नहीं होगा। कोस वाले में क्या होगा, कोस वाले में यहां पर क्या है आपका, यहां क्योंकि देखो यहां पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था तब खुला ये, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या है, यहां कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी नहीं है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। इस वाले को याद रखना सेकंड वाले को, क्यों हम गलती क्या कर बैठते हैं, हमें ये लगता है कि कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी है जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये भी डायरेक्ट आपके फॉर्मूले कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, सीधा याद रखो। तो ये तो आपका कंप्लीट, चलो क्वेश्चन बनाओ अब मैं बैठूंगा आराम से और आप फटाफट देना आंसर। चलो रीजनिंग का बना दिया, चलो चलो भाई पहला ही क्वेश्चन बता दो, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करना है, तो एक के बाद एक क्वेश्चन आता जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन फटाफट बता दो। जिसने फॉर्मूले ध्यान से पढ़े हैं उसके लिए तो कुछ नहीं है, खेल है, और जिसने नहीं पढ़े बताओ भाई, कितना आएगा, नहीं हुआ, क्या ढूंढ रहे हो या दौड़ रहे थे एक। चलो भाई डिटेल तो आपको पता चली गया होगा इसका, ठीक है डिटेल से तो आपने बनाई लिया होगा। ऊपर किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैंने अभी कराया था। आप जब बोल रहे थे ना, जब आप ये कह रहे थे सर पे तो सब आता है, तब की बात है, तो इसका फॉर्मूला था साइन पावरफुल है ना, टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और अपॉन में क्या बनेगा, टू कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक, कौन सा कट गया, ये कट गया, दो से दो कटा, बचा हुआ आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है, जो जिस तरीके से आसान होगा उससे ही करेंगे, जो आपका वैल्यू पुट से आसान होगा वैल्यू पुट से करेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल अभी साधारण सा हमने बता दिया, वैल्यू पुट से करना है तो वैल्यू पुट से कर लो। वैल्यू पुट से कैसे करोगे, देखो वैल्यू पुटिंग क्या होता है, आप अपने क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का मान रखो, अल्फा और बीटा का मान ऐसा रखना जिससे रिजल्ट इनफिनिटी ना बने। जैसे आप अगर देखो दोनों में 30-30 रख दोगे तो 30-30 रखने पर यहाँ पे देखो 7 बटे 2, tan 30 का मान अलग होगा, cot 30 का अलग होगा, sin 30 का अलग होगा, cos 30 का, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्फा बीटा दोनों का 30 रख दो, अगर दोनों का 30 रखोगे तो कितना जाएगा, 1 बाई 2 प्लस, हाँ ये 30 रखा ना आपने, 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2 ही जाएगा भाई, भ्रमित मत करो, ये रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2, ऊपर तो क्या बना 1, नीचे एलसीएम 2 तो 2 रूट 3, दो से दो कटा, तो यहां पर क्या रह गया, ये 1 बाई रूट 3 रह गया। तो आपने अपने क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या रख दिया, 30 रख दिया, तो 30 रखने पर रिजल्ट कितना आया, 1 बाई रूट 3 आया। अब अल्फा और बीटा का वही मान ऑप्शन के अंदर रखने पर रिजल्ट यही आना चाहिए, तो चलो रखते हैं, अल्फा बीटा का मान 30-30, 60 बटे 2, 10-30, 10-30 का क्या होता है, 1 बाई रूट 3, बाकी का चेक कर लो किसी का नहीं आएगा, इसका रूट 3 आएगा, इसका हाफ आएगा,
और इसका रूट 3/2 आएगा। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो नेक्स्ट का बताइए। वैल्यू पुटिंग में ध्यान रखना ऑप्शन मैच ना कर जाए, ऐसी वैल्यू क्या बात बीच बीच में खड़े हो रहे हो, इतने एक्सरसाइज वगैरह मत किया करो, लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा शरीर में। ठीक, चलो समझ नहीं आ रहे तो समझ में तभी तो आएंगे जब कुछ वैल्यू वगैरह रखोगे। ए फॉर्मूले याद नहीं किए तुमने, बताओ वैल्यू टेबल याद कराई थी तुम्हारे या भूल गए सब, याद है? चलो साइन 30 का मान क्या था और कोस 30 का, तो फिर क्यों दिक्कत है? चलो देखो भाई, देखो भाई आपको यहां पर एक रूल बताता हूं, क्वेश्चन के साथ साथ रूल बताता चलूंगा। एक रूल है और रूल क्या है वो देखो। रूल ये है, प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, अगर ये दिया है ठीक, और एक स्टेटमेंट है आपकी ए कोस थीटा माइनस बी थीटा इज इक्वल टू वाई, तो रूल क्या निकलता है? तो रूल निकलता है लेफ्ट साइड में जो कोफिशियंट है उनके स्क्वायर का सम और जो राइट साइड है उनके स्क्वायर का सम। ये रूल है, ये याद रखना भाई। तो बीच बीच में रूल आते जाएंगे तो मैं बताता चलूंगा, ठीक है, तभी ये पूरा होगा, ऐसे पूरा नहीं होगा अगर मैं बिल्कुल शुरू से लू। ठीक है, चलो चलो देखो देखो, इतने में ऊपर से भी जाने लगा तुम्हारे। अब तक तो तुम ये बोल रहे थे कि फॉर्मूले सारे याद है, फॉर्मूले सारे याद है, तो अब आपके ऊपर से जाने लगा। वाई ग्रुप वाले की समझ में नहीं यार चलो भाई देखो देखो देखो, चलो भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब तक तो तुम्हारे सारे फॉर्मूले याद थे। चलो इस रूल को देखो, दोबारा क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन को देखो, दोबारा आपके क्वेश्चन कराता हूं भाई। ये रूल याद रखना, पहले देख लो, अगर डायरेक्ट कहीं पर भी a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू x, a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू y, ये सिचुएशन दिखे, पहचान क्या करोगे? साइन कोस का जिक्र होना चाहिए क्वेश्चन में, देखो यहां भी साइन कोस का है और यहां पर a और b का जिक्र है, यहां भी a और b का जिक्र है, एक में प्लस एक में माइनस, फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा गुणांक बदल जाएंगे, कोफिशिएंट बदल जाएंगे। यहां पे साइन के साथ ए है, कोस के साथ बी है, यहां पे कोस के साथ ए आ जाएगा और साइन के साथ बी आ जाएगा, प्लस एक में माइनस हो जाएगा। तो जो ये लेफ्ट के कोफिशिएंट है ना ए एंड बी, तो ए और बी के स्क्वायर का सम एक तरफ और जो राइट साइड है वो पूरी एक तरफ। अब आप ही देखो, एक्स कोस प्लस वाई साइन, यहां पर एक्स साइन माइनस वाई कोस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पर इसका रिजल्ट क्या है? जेड। अब इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट आप क्या मान सकते हो? एक्स। अभी इस स्क्वायर को काट दो यहां से, अभी स्क्वायर को मत देखो, बिना स्क्वायर के देखो, इसका रिजल्ट क्या मानो यहां पे? इसका रिजल्ट मान लो आप यहां पे के, माना हमारी इक्वेशन का जो आंसर है वो के है, तो आप ही बताओ आंसर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक,
अब अगर मैं इस इक्वेशन का रिजल्ट के मानता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन का रिजल्ट के मानता हूं तो इस स्क्वायर सहित रिजल्ट क्या जाएगा, के स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन का रिजल्ट के मानू तो स्क्वायर सहित तो रिजल्ट क्या गया, के स्क्वायर। और उसने किसका मान पूछा है, इस इक्वेशन का मान पूछा है, इस इक्वेशन का मान पूछा है, मतलब के स्क्वायर का मान बताना है। तो के स्क्वायर का मान क्या आया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये के स्क्वायर का मान आ गया। तो आंसर आप चेक कर लो कौन सा आंसर होगा, यहां से आंसर चेक हो जाएगा, ठीक है। चलो, अरे निकम्मो कोरोना तो तुम कर ही दोगे, ठीक। अब देखो इसको वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे, अगर कुछ नहीं पता पहले तो वैल्यू पुटिंग है क्या वो समझ लो, वाई ग्रुप वाले बस एक चीज समझ लो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। वैल्यू पुटिंग का मतलब है थीटा का कोई भी मान रखो अपनी तरफ से, जो आपका मन करे वो मान रखो, बस रिजल्ट जो है इनफिनिटी ना बने। थीटा का ऐसा मान मत रख देना कि इक्वेशन का रिजल्ट इनफिनिटी बन जाए, तो आप थीटा का कोई भी मान रखो अपनी तरफ से। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, क्या रखना चाहते हो थीटा का बताओ, थीटा का जीरो। अगर थीटा का जीरो रखा तो यहां पर क्या आएगा, ये तो आएगा एक्स, क्योंकि कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो तो आपका वन होता है ना, तो मैंने चलो थीटा को क्या रख दिया, जीरो। अगर थीटा को जीरो रखा तो ये क्या बनेगा, यहां एक्स प्लस जीरो बराबर जेड, तो एक्स बराबर जेड ये बना, ठीक। अब एक बात बताओ आपको, अगर आपने थीटा को जीरो रखा है तो ये तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो, और माइनस ये क्या रह जाएगा, माइनस वाई और पूरे का होल स्क्वायर, तो कितना बना, वाई का स्क्वायर बन गया। अब एक्स इक्वल क्या आया है, जेड। आपके क्वेश्चन का रिजल्ट क्या है, वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से भाई, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा जेड, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटा तो वाई स्क्वायर, और यहां भी वाई स्क्वायर, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे भी देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर रख दूं तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर बचा माइनस वाई स्क्वायर, मैच नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन का रिजल्ट तो वाई स्क्वायर था, पहले वाला मैच कर रहा है, पहले वाला अभी तक मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखो, अगर यहां भी मैं जेड रख दूं तो ये तो कभी भी वाई स्क्वायर नहीं बनेगा पूरा, तो मेरा आंसर सी भी नहीं है। अगर मैं यहां भी जेड स्क्वायर रख दूं, ये भी वाई स्क्वायर नहीं बनेगा, मेरा आंसर ये भी नहीं है। मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसने रिजल्ट क्या दिया, वाई स्क्वायर दिया। तो क्वेश्चन का रिजल्ट क्या था, वाई स्क्वायर, एक ऑप्शन का भी रिजल्ट क्या आया, वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर आपका हो गया ए, ठीक, आंसर हुआ ए। अब बता दो ये वाई ग्रुप वाले कम से कम अब तो बता दो 90 पे मैच कर सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने अगर यहां पर थीटा को 90 डिग्री रखा है और अगर मैच कर रहा है तो कोई बड़ी समस्या नहीं। मैच करने का मतलब है कि कोई दो ऑप्शन ऐसे है जिसमें जो सिंबल यूज हुए है, दो ऑप्शन ऐसे है जिसमें सिंबल इस तरीके के यूज हुए है कि दो पार्ट कट के वाई स्क्वायर बच जाएगा, जहां मैच करेगा ना। अगर ऑप्शन मैच कर जाते हैं, ऑप्शन मैच करते ही मतलब आपने जो एंगल रखा था ना, फिर वो नहीं रखना, कुछ और रखना है। सपोज करो दो ऑप्शन मैच कर जाते तो फिर जीरो के बजाय कुछ और रखना था आपने, हालांकि आपने जीरो डिग्री शुरू में ही आसान वैल्यू रखी। ऐसे क्वेश्चन में जीरो डिग्री नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जीरो डिग्री रख के एक हिस्सा तो इसका पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, और अगर जीरो डिग्री रख के क्वेश्चन का एक हिस्सा पूरा का पूरा खत्म हो रहा है तो रिस्क बन सकता है आपके लिए आगे चलकर ऑप्शन में। हालांकि मैच नहीं किया अभी जीरो डिग्री पे, लेकिन 90 डिग्री रख के देख लेते, दो ऑप्शन मैच कर जाते, दो ऑप्शन के रिजल्ट वही आते जो क्वेश्चन के रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। चलो 45 रख सकते हो, ठीक, 45 रख सकते हो, और अगर 90 भी रखना है तो 90 भी कैसे रखना है, देखो भाई 90 रखते ही ये खत्म, 90 रखते ही ये खत्म, ये क्या आया, y इज इक्वल टू जेड आया, ठीक है। अब 90 रखते ही ये, तो 90 रखते ही यहां पर देखो ये खत्म, तो एक्स स्क्वायर रिजल्ट आया, आया ना यही एक्स स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, जब y और z इक्वल होंगे तो y और z इक्वल होते ही ये खत्म, एक आंसर तो ये मैच कर गया आपका, एक तो ये आया। और जब आप यहां पर भी y की जगह z रखोगे, y की जगह z रखते ही इसका भी आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर, कर गए मैच। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे यार क्वेश्चन का आंसर तो एक्स स्क्वायर था, अब ये दो ऑप्शन का भी रिजल्ट एक्स स्क्वायर आ गया, अब क्या करें। अब ऐसी जगह फिर आपको कोई दूसरी वैल्यू रख के देखनी होती है। अब जैसे सात के साथ आप जीरो भी रख देते, जीरो रखने पर ये मैच करता, ठीक,
और जो दो बार मैच कर जाएगा ना दो वैल्यू पर, अगर कोई रिजल्ट दो वैल्यू पर मैच कर जाता है वही आंसर होता है। ये देखो जैसे 90 पर भी एक्स स्क्वायर आया और जीरो पर भी, तो ये आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम आ रही है, चलो वैल्यू पुटिंग में एंड में ही लेता हूं। पहले आपके लिए ये क्वेश्चन लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुझसे आंसर पूछने हैं मुझसे, और तो आंसर तभी बताएगा। वैल्यू पुटिंग, चलो हाँ कोई बात नहीं, आप यहां से करो, ये रहा 26, यहां से बताइए आप, ठीक। चलो भाई चलो चलो जल्दी, उसने क्या दिया है, कोट ए का मान दिया है 5/12, तो क्वेश्चन दोनों लेवल के आपके एक्स ग्रुप के भी है इसमें और वाई ग्रुप के भी है, लेकिन वाई वाले क्वेश्चन आते ही एक्स वाले पागल हो जाते हैं कि आसान आ गया, एक्स वाले ले ले तो वाई वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अब जल्दी से, कोट ए कितना है, 5/12, ए कौन से चतुर्थांश में है, ए थर्ड क्वाड्रेंट में है, ए तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे में कोट का मान क्या होता है, पॉजिटिव, तीसरे में कोट का मान तो पॉजिटिव होता है। अब उसने कहा है अन्य 5 बताओ, आप तुरंत बता दोगे क्योंकि ये तो क्या है यहां बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा 13, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ना 5/12/13 का, 5/12/13 का ट्रिपलेट होता है, तो बेस आधार 5 परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। या फिर ऐसा कर लेना, ये इक्वेशन का यूज कर लेना जिसको डायरेक्ट नहीं आता, जिसको डायरेक्ट नहीं आता ये यूज कर लेना, पी स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 144, 144 और 25 169, और 169 का रूट कर दोगे तो एच कितना आएगा 13 आएगा। अब अगर एच 13 आ गया, उसने कहा अन्य सारे बताओ, अब तो आप बता ही दोगे, चलो मैं दो बता देता हूं। कोट, कोट तो यहां था ही ना, सेक को बता देते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा एच अपोन बी, तो क्या आया 13/5, लेकिन कैसा माइनस का, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है तीसरा, तो तीसरे में सेक का रिजल्ट क्या होता है नेगेटिव, तो इस तरीके से आप तुरंत आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पे आपको बताना है साइन ए माइनस 4/5, उसने बताओ ए कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, अगर ए थर्ड में है तो साइन का मान तो नेगेटिव होना चाहिए, हाँ नेगेटिव ही है, साइन का मान थर्ड में कैसा होता है नेगेटिव, हाँ जी नेगेटिव है, ये किसका रिजल्ट हुआ पी, ये किसका हुआ एच, बी कितना आया 3, वैसे तो ट्रिपलेट होता है 3/4/5, जिसको नहीं पता पाइथागोरस लगा लेना, क्योंकि आपके पास पी की वैल्यू है एच की वैल्यू है, बची कौन बी, बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यहां पर आप ही देखो, यहां पर कोसेक ए प्लस कोटे अपोन सेक ए माइनस 10 है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहले तो आप माइनस लगा लो किस किस में आएगा, कोसेक तीसरे में नेगेटिव होता है, कोट पॉजिटिव, सेक नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, मतलब माइनस ही रहेगा, ये हो गया, बस वैल्यू ही तो रखनी है माइनस, तो माइनस 5/4, कोसेक किसका उल्टा साइन का, कोट में क्या होती है प्लस, तो प्लस की क्या जाएगी कोट में, कोट में प्लस की जाएगी बी 3/4 अपॉन सेक में क्या जाएगी, सेक में जाएगी आपकी माइनस का 3/5, क्योंकि बी होगा बेस, और 10 में ये माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, तो 10 में कितना 4/3, 10 है ना तो 4/3, ऊपर एलसीएम कितना आया 4, माइनस 5+3 कितना हुआ -2, नीचे का एलसीएम कितना आया 15 आया, तो 5 3 जा तो 3 के ऊपर -9, 3 5 जा तो 5 के ऊपर -12, अब यहां पर ये 15 तो जाएगा ऊपर, 15 2 30, माइनस का तो ये हुआ 30, और ये 4 आएगा नीचे, ये कितना बना पहले ही 12 और 9 21, तो माइनस का 21 चौक 84, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, अब 2 से काटो तो कितना आएगा, या 6 से कट जाएगा
6 से 5 और 6 से 6 से 6 चौक 24, 15 5 चौक 9 माइनस 20, तो यहां पर ये सॉरी यहां पर आपका आएगा 20, ठीक, क्योंकि 3 से कितनी बार कटा, 5 5 चौक 20, तो ये कितना बना यहां पर माइनस का 29, तो इसको यहां पे आप कर लेना, फिर 15 तो ऊपर तो 15 दूनी 30, माइनस का 30 और ये 29 चौक, तो 4 गुना 29 किसका माइनस का, तो माइनस से माइनस, 2 से 15 बार 2 से 2 बार, तो 15 बटे कितना गया 58, 15 बटे 58, ठीक है, पॉजिटिव। तो यहां पर रिजल्ट क्या दिए, कोई बात नहीं, अगर मैच नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजल्ट सिर्फ यहां पे देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा था, तीसरा था, अगर क्वाड्रेंट तीसरा था तो मतलब साइन का मान नेगेटिव, और तीसरे में मुझे पता है कोसेक नेगेटिव, कोट पॉजिटिव, सेक नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, तो यहां पर -5/4 + 3/4 और यहां पर -3/5 और यहां पर माइनस का, यही गलत कर दिया आपने, यहां पे सेक का रिजल्ट गलत है भाई, आपका ध्यान कहां है भाई, सेक का रिजल्ट गलत है, क्योंकि सेक का रिजल्ट क्या होगा, -5/3, ठीक, किसी और ने भी बताया, कोई नहीं, अरे वाह, गजब गजब जी गजब, ठीक है, मतलब सारे ही बिल्कुल ठप बैठे हैं, तो 4 LCM तो ऊपर कितना है -2 और नीचे 3 LCM तो कितना है -9, ठीक, 2 माइनस से माइनस 2 से कितनी बार 2 बार, 3 से कितनी बार 3 बार, तो 1/6, तो आंसर आया ए, ठीक। तो भाई वाई ग्रुप के लायक भी क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है, वाई ग्रुप में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक्स ग्रुप में इतना आसान नहीं बनता, चलो आंसर बताओ, तब फटाफट बताओ भाई, सारे बताओ गोली की स्पीड में, कितना जाएगा डी, ये तो मुझे लगता है देख के ही पता लग रहा है, कौन सा चतुर्थ, चतुर्थ में साइन पॉजिटिव और कोस, यही है, कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो कौन सा गया, ये तो सोल्व भी नहीं करना पड़ा आपको, ठीक है, क्योंकि चौथे में कोस होगा पॉजिटिव साइन नेगेटिव, ऐसा एक ही ऑप्शन है सी, या तो ये कर लो या फिर ऐसा कर लो, टेंशन मत लो, आप यहां पर आपको क्या दिया, साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू दिया है 0, तो आप इसको कर सकते हो साइन ए इज इक्वल टू माइनस कोस ए, साइन ए इज इक्वल टू माइनस का कोस ए, इसको उधर भेज दो, साइन ए इज इक्वल टू माइनस का कोस ए, कोस ए को अपोन में ले आओ, साइन ए अपोन कोस ए माइनस 1, ये क्या बना टेन ए माइनस 1, अब देखो भाई टेन पहले में तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यहां कौन से क्वाड्रेंट की बात हुई है, चतुर्थ चौथा, एक बात तो मुझे पता है कि 1 जो वैल्यू होती है टेन में वो किसकी होती है 45, ठीक है, 45 के समान दूसरे में कौन होता है 135, तीसरे में 45 के समान कौन होता है 225 और चौथे में 45 के समान कौन होता है 315, ठीक, तो मतलब ये वैल्यू किए एक ही वैल्यू क्या होगी 315, लेकिन कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, आपको यहां से क्या पता लग रहा है कि 1 किसका मान होता है 45 का, होता है ना 45 का, तो साइन 45 का मान बता दो क्या हुआ, साइन 45 हुआ 1/√2 और कोस 45 क्या हुआ 1/√2 हुआ ये भी, तो आपको पता है कि 1 किसका मान है 45 का, तो मैंने ए को 45 मान के ही लिख दिया आंसर, बस ये ध्यान देख लो क्वाड्रेंट कौन सा है चौथा, अब चौथा है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव और कोस की पॉजिटिव, ठीक है, तो डिटेल से बना सकते हो, हालांकि ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दिखने से ही पता लग रहा है, चलो ये देखो इसके मान बता दो, चलो अगर आप ये वैल्यू बता देते हो, बड़ी आसान वैल्यू है, अच्छा जी ये सही है, आसान हो जाए तो सही है, डिफिकल्ट हो जाए तो भाग जाते हो, ये स्पेशल वाई ग्रुप वालों का क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है ऐसा, गलत कर दिया तुम्हारे लिए, अलग अलग लानी थी तुम्हारी दोनों की क्लास, क्या होगा डी,
एक बात बताओ, चलो ये बताओ आप सीधा सीधा, 135 डिग्री किसके समान होता है? 45। अगर 135 डिग्री 45 के समान होता है तो 45 डिग्री का मान आपको पता ही है, कोस 45 का क्या होता है? 1/√2। 135 है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो पहला तो आया माइनस, तो ए और सी तो कट गए, या तो बी सही है या फिर डी सही है, बी या डी। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? अगला है साइन -720। देखो एक बात बताओ, बाहर आ जाएगा माइनस तो साइन 780, 360 के कितने चक्कर बनाओगे? दो। 360 गुना दो कितना हुआ? 720। ठीक, 720 के बाद कितना बचा? 60। अब अगर 60 बचा तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, और बाहर क्या है? माइनस, तो क्या हुआ फिर? डी आंसर हुआ। ठीक है, तो आंसर आपका जाएगा डी, तो बिल्कुल आसान है। ऐसे ही 240 किसके समान होता है? 60 के। पहले आप ये भी याद रखो, छोटी छोटी चीजें याद रखा करो। मुझे तो ये था कि आपने खुद भी प्रैक्टिस की होगी, आपने तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं अब तक। 45, 135, 225, 315, ये चारों जो है ना, ये चारों का मान समान ही होता है, बस माइनस प्लस का फर्क आता है। अगर कोई आपको कह दे ना साइन 45 और साइन 135, साइन 225 और साइन 315 की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, सबकी सेम जाएगी, सबका रिजल्ट 1/√2 ही जाएगा, बस फर्क आ जाएगा प्लस माइनस में, पहले में और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा, बाकी माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही 30, 150, 210, 330, ये चारों ऐसे रिजल्ट है जिनका मान सेम जाता है। कैसे? अगर मैं कहूं 10 30, 10 30 का भी मान यही होगा, 10 150 का भी यही होगा, 10 210 का भी यही होगा, 10 330 का भी यही होगा। फर्क बस कहां आएगा? पहला क्वाड्रेंट तो प्लस, दूसरे में 10 माइनस, तीसरे में 10 प्लस, चौथे में माइनस, सिर्फ इतना सा फर्क आता है। ठीक, ऐसे ही 60 वाले में कौन कौन होते हैं सगे संबंधी? 60 वाले में होते हैं 60, 120, 240 और 300। ये 60 वाले में सगे संबंधी होते हैं। अगर कोई आपको कहे ना साइन 60, साइन 60 √3/2, साइन 120 √3/2, साइन 240 √3/2, साइन 300 √3/2, बस फर्क कहाँ आएगा? साइन पहले में प्लस, दूसरे में भी साइन प्लस, तीसरे में माइनस और चौथे में माइनस, ये फर्क आता है। तो ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताने के लिए। अरे अब बात 240 की आई तो आप ब्रेक क्यों करते हो? इतने फॉर्मूले याद कहां से करोगे जिसके याद नहीं? आप सीधा सा सोचो ना, 240 किसके समान है? 60। 10 60 क्या होता है? 10 60 होता है √3/2। 240 लाई कहां करता है? लाई कहां करता है? थर्ड में। अगर थर्ड में लाई करता है तो कैसा रिजल्ट? माइनस का कि प्लस का? प्लस का तीसरे में। ठीक, अभी तो आसान है, अभी तो ऐसे भी कर लो, चाहे 240 है 180 प्लस 60 लिख लो। ठीक है, टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है? टेन थीटा ही होता है, तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, 1920 को देखो कैसे बताओगे, 360 के ये देखो कितने चक्कर बने, 360 के कितने, 36 पंजे कितना हुआ? 180। 36 पंजे 180 तो 360 पंजे, तो 360 की 5 बार गुना 1800 सबको पता है, बचा कितना? 120। 120 किसकी तरह होता है? 60। कोसेक 60 क्या होगा? 2/√3। 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? दूसरा। दूसरे में कोसेक प्लस का, तो 2/√3। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट याद है। अब बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना चाहते तो बताओ फिर तो क्या करें? फॉर्मूले पढ़ोगे बहुत अच्छे, मतलब कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं। चलो आप एक मान बताओ, 10 1710 का मान बता दो, एक ही बता दो इसमें से, 10 1710, इतने तो आप बताओगे नहीं, एक ही बता दो, 10 1710।
एक बात बताओ, 360 के कितने चक्कर लगेंगे? पांच। 360 के पांच तो कितने? 1800। ठीक है, 1800। लेकिन ये 1800 से कितना कम है? 90 कम है। यानी ये आपका बन रहा है 1800, यानी के ये 5 × 360 के पांच चक्कर लगे और माइनस का 90। पांच तो इसमें कैलकुलेट होता नहीं। टेन 360 माइनस थीटा। 360 में क्या होता है? नो चेंज। तो क्या आएगा? टेन थीटा ही आएगा। 360 माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्थ को। फोर्थ को करेगा तो क्या आएगा? माइनस। 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका नॉट डिफाइंड। अगर कोई पूछेगा ना रिजल्ट क्या है, तो नॉट डिफाइंड या तो क्या आएगा कि उसमें आपका हिंदी में लिखा रहेगा या परिभाषित, या लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड, या फिर ये साइन लग के आएगा। ठीक, तो ये आपके तो क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ब्रेक करके ही करने हैं। हाँ भाई शुभ लाभ, पता नहीं लग रहा। चलो एक बता दो आप, इसमें ज्यादा नहीं, आप मुझे इसमें आंसर बता दो सेकंड का, इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन तो 150 थे आपके लिए, लेकिन आपने तो मजा ही खो दिया। बस फॉर्मूला किसी के भी याद नहीं मिला? कम से कम फॉर्मूले तो याद करके आते जब क्लास लगी थी। कल को पढ़ेगा, कल पढ़ लियो। 3 सेकंड का चलो, कोई नहीं, जाओ जाओ। 3 देखो, अगर सेकंड वाले को देखे भाई, तो सेकंड वाले में आराम से, भाई तुम तो बेहोश हो गए। ठीक है, तो सेकंड वाले में देखो, सबसे पहले देखो पाई बाई सिक्स क्या होता है। पाई क्या होता है? 180। इसको बोलते हैं 180/6, तो कितना? 30। भाई बताओ ये हुआ 30, तो साइन 30 का मान सबको पता है, हाफ। हाफ का स्क्वायर 1/4। ये कितना हुआ यहां पर? 180/3। ये आपका कितना गया? 60 डिग्री। कोस 60 का मान क्या होता है? हाफ। हाफ का स्क्वायर 1/4। और ये कितना गया? पाई बाई 3। 60, टेन 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर 3। तो आंसर आया इसका 3। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू बेसिस करना है, और अगर आपके टेबल भी याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, तो भाई फिर ट्रिग्नोमेट्री आपका एक दिन का चैप्टर नहीं है, फिर तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में टाइम देना पड़ेगा। चलो एक आंसर बता दो आप मुझे, बस इसमें दोनों ही बता दो, ये तो दोनों ही बता दो ये तो। अक्षय ठाकुर कुछ समझ भी ले, कुछ तो समझ ले, क्योंकि वैल्यू भी याद नहीं है क्या ऐसा 360 डिग्री की? सी आंसर। देखो भाई आप एक चीज देख लो, पाई बाई 3 आपको पता है, पाई बाई 3 कितना होता है? देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लॉजिक लगाओ, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। पाई बाई 3 कितना होता है भाई? 60 होता है। ठीक, अब आपको देखना है कि ये टोटल जो बन रहा है 19/6 कितना हुआ? 114। 1140। अब 336 से काटो इसको, 36 से कम 36, 36 दुनी 72, 36 दिया 108, 3 बार कटेगा। 36 दिया 108 तो 1080, ऊपर कितना बचा? 60। अब जो ऊपर 60 बचा तो वो टेन 60 कहलाएगा, और टेन 60 का मान क्या होता है? √3 होता है, बाकी तो किसी में है नहीं। तो आंसर क्या हुआ? आंसर मतलब फिर सी ही हुआ। ठीक, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं। एक में एक क्वेश्चन कर दो आप, बाकी पीडीएफ दूंगा उसकी प्रैक्टिस कर लेना। कोसेक माइनस 1410 का बता दो क्या आएगा? कोसेक माइनस 1410, ए और सी, ए सी बी डी 4 है, ए और सी तो होगा नहीं, होगा भी तो आप बता ही नहीं सकते ऐसा आंसर तो कभी। 2 कोसेक माइनस 1410 होता है माइनस कोसेक 1410। 360 से काटो भाई, 360 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 1080 या 4 बार? हाँ ये भी कर सकते हो,
ये भी कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, अगर कोई तीन बार भी काटता है कोई दिक्कत नहीं। 36 दिया 108, 1080, तीन बार काटा 1080, आगे 1100 कितनी दूर है, 20 दूर, और 1100 से 1410 कितनी दूर है, 310, और 20 330, और 330 मैंने सीधा बताया किसके सिमिलर होता है, 330 30 के सिमिलर होता है, होता है। अब आप ही बताओ माइनस ये 30 कितना होगा, कोसेक 30 दो, लेकिन 330 तो थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ सॉरी, और फोर्थ में ये क्या होता है नेगेटिव, तो एक माइनस हो रहेगा, ठीक। या फिर ऐसा करो कि आप इसको कितनी बार कर सकते हो, चार बार, कैसे, चार गुना 360, चार गुना 360 कितना हुआ 1440, 1440 माइनस 30, अब ये चार तो रोल करेगा नहीं, तो कोसेक 360 माइनस थीटा क्या है, माइनस, तो एक माइनस हो रहा है, तो ये प्लस, ठीक है। चलो भाई देखो सीधी सी बात है, करने को मैं बिल्कुल बेसिक भी ले सकता हूं, फिर एक घंटे में फॉर्मूले ही होंगे बस, बिल्कुल फिर एक घंटे में फॉर्मूले ही होंगे, और अगर एक घंटे में फॉर्मूले ही होंगे तो बताओ फिर क्या करोगे आप एग्जाम में। टेन 13 पाई बटे 12, पाई बाई 12 आपको पता है कितना होता है 15, पाई बाई 12, पाई 180, 180 को 12 से काटा 15, 15 गुना 13 कितना हुआ, 15 गुना 13 195, 195 को लिखो 180 प्लस 15, 180 प्लस 15, और टेन 180 प्लस 15 कोई भी बता देगा, प्लस का ही टेन 15 होता है, 180 प्लस 15 थर्ड में कूद गया ना, तो प्लस का ही 15 होगा, और बस, और जैसे ही 10-15 आपका आंसर आया तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ, आंसर हुआ बी, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, 10-15 का सीधा सीधा मान है ये, 10-15 का सीधा सीधा मान है। चलो क्वाड्रेंट का ये वाला बताओ, चलो ये अच्छा है, इसमें क्वाड्रेंट का रोल है, इसमें क्वाड्रेंट का रोल है क्वेश्चन में, ये बताओ। हाँ जी, ऑफलाइन पढ़ाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, ऑफलाइन के लिए आना पड़ेगा आपको देहरादून, लेकिन अगर ऐसी हरकतें रही ना आपकी जैसे आज है, फॉर्मूले भी याद नहीं, तो फिर तो कटाई का काम है ऑफलाइन में। तो देखो भाई ये तो आपको सीधा सीधा बिल्कुल आसान है, ये तो आपको पता ही होगा। देखो 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और कोट किस में बदलेगा, टेन में, क्योंकि 270 चेंज होता है, तो कोट बदला टेन में, क्वाड्रेंट हुआ तीसरा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा, 270 वाला केस है तो कोट बदलेगा टेन में, टेन थीटा, क्वाड्रेंट चौथा है तो क्या लगेगा, माइनस, तो लग गया माइनस। अब बात करते हैं इसकी, कोई दिक्कत नहीं, 360 से कितना ऊपर है, 360 से कितना ऊपर, 180, अगर 180 ऊपर है तो आप इसको क्या रीड करो, 180 माइनस थीटा पढ़ो ना सीधा, इसको अगर 180 माइनस थीटा पढ़ते हो तो आप बताओ 180 नो चेंज, तो कोट थीटा लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि सेकंड में आ गया। अब देखो 540 को फिर क्या लिख सकते हो, फिर 180 प्लस थीटा, अब कोट 180 तो कोट ही रहेगा ठीक, लेकिन 180 प्लस किस में, तीसरे में, प्लस ही रहेगा, माइनस से माइनस कटा, टेन से कोट कटा, टेन से कोट कटा, तो क्या आया वन। तो अगर क्वेश्चन में 540 का यूज हुआ है, अगर क्वेश्चन में 540 का यूज हुआ है तो घबराना नहीं है। आप ये देखो ना ये 360 से कितना ऊपर है, ऊपर ऊपर को उठा लो, 360 से 180 ज्यादा है तो उस 180 को उठा लो, बस उसके अनुसार बताओ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो इसमें। ये आंसर दो क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसी दी है उसने जो आपको नहीं पता। कोस पाई बाई 8, आपको भी पता है पाई बाई 8 क्या जाएगा, पाई बाई 8 जाएगा 22.5, कोस पाई बाई 8 आपको पता है क्या जाएगा 22.5। दो तरीके है इसको करने के, दो तरीके है इसको करने के,
कितना आया? जीरो। चलो दो तरीके कौन कौन से बताता हूं। एक काम करो, फॉर्मूला लगा दो कोस सी प्लस कोस डी का। कैसे? इसमें करेंगे, उससे भी कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दो, टू कोस सी प्लस डी का आधा। जब इनको ऐड करोगे तो ऊपर क्या बनेगा? पाई बाई एट प्लस सेवन पाई बाई एट, क्या हुआ? एट पाई बाई एट, यानी पाई रह गया। और ऊपर तो क्या बना? एट पाई बाई एट बना ना, मतलब पाई रह गया, और अपॉन में टू भी आता है ना फॉर्मूले के अनुसार। तो ये बनेगा ए यानी सी प्लस डी अपॉन टू, कोस सी प्लस डी अपॉन टू। तो कितना आया ये? पाई बाई टू, चेक कर लेना। आगे आएगा कोस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू कितना बचा है यहां पर? पाई माइनस सेवन पाई और एट, तो माइनस का कितना बचा भाई? माइनस का सिक्स पाई बाई एट। और ये दो भी कहां गया? ऊपर। दो से कितनी बार? चार बार। ये दो से कितनी बार? दो बार। तो माइनस का थ्री पाई बाई टू बना। अब एक बात बताओ, अगर माइनस का थ्री पाई बाई टू बना तो कोस माइनस थीटा तो प्लस हो जाता है, माइनस तो हटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर कोस पाई बाई टू का रिजल्ट कितना आ गया था? जीरो। अगर इसका रिजल्ट जीरो आ गया था तो आगे वाले का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं पर आंसर क्या आया आपका? जीरो। और एक बात और, अगर इनका जीरो आया तो अब आगे वाले में फॉर्मूला लगाओ। एक तो ये है, अब डायरेक्ट तरीका क्या है वो सुनो। ये तो हो गया फॉर्मूले से, डायरेक्ट तरीका क्या है? अगर कभी भी कोई साइन की या कोस की सीरीज आपको दिख रही है, कैसे, या कोस में है या फिर साइन में होती। साइन में कैसी? पाई बाई सिक्सटीन प्लस साइन थ्री पाई बाई सिक्सटीन प्लस साइन फाइव पाई बाई सिक्सटीन प्लस साइन फिफ्टीन पाई बाई सिक्सटीन। अगर ऐसी, अगर कभी भी आपको कोस की या साइन की कोई सीरीज मिले जो प्लस में चल रही हो, ठीक है, कोस की या साइन की सीरीज मिले जो प्लस में चल रही हो, जिसमें ओड टर्म्स का यूज हुआ हो, वन पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई, वन पाई थ्री पाई सेवन पाई फाइव पाई, पूरा ओड टर्म्स, अगर ऐसा होता है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। जीरो क्यों आता है वो सुनो, जीरो क्यों आता है वो सुनो, ठीक है। तो जीरो क्यों आता है वो सुनिए भाई। जीरो इसलिए आता है आपका क्योंकि ये वाली टर्म्स तो किससे कट जाती है? इससे। और ये वाली टर्म्स किससे कट जाती है? इससे। यानी दो दो जो टर्म्स है, दो दो टर्म्स पेयर में आके कट जाती है। कैसे कटेगी चलो वो भी बता देता हूं, वैसे डायरेक्ट याद रखना कैसे कटेगी वो देखो। कोस पाई बाई एट तो ये है ही, ये यहां पर क्या बनेगा? ये इसको आप लिख सकते हो कोस, कुछ इस तरीके से आपको रखना है, कोस कोस ही रहे बस माइनस का बने जिससे पेयर वाइज कटे। तो आप इसको लिख सकते हो कोस पाई माइनस पाई बाई एट। चेक करो क्यों लिख सकते हो, एक बार एलसीएम ले लो, एट पाई माइनस पाई तो बचा ना सेवन पाई बाई एट, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये प्लस है यहां। अब जब आप ही बताओ कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ठीक। तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो इसी प्रकार फर्स्ट से लास्ट कैंसिल होगा और इसी प्रकार सेकेंड से थर्ड कैंसिल होगा। लेकिन ऐसे आपको लॉजिक पता होने चाहिए कि जब कोई भी सीरीज आपकी आती है साइन और कोस में और टर्म्स के साथ, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो सीधा सीधा जीरो होता है, ठीक है। हाँ, इवन पे नहीं होगा, इवन में तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अगर देगा आपको पाई बाई एट तो टू पाई बाई एट क्या हो गया? पैंतालीस। तो पैंतालीस का तो मान पता है आपको, ठीक है। हाँ, अगर टेन में आपका जाएगा तब भी जाएगा, कोस में होगी, साइन में होगी, टेन में होगी, मतलब आपकी जो सीरीज है वो देखो, यहां पर साइन और कोस का केस आपका जो जाता है वो इस तरीके से देगा कि एक टर्म्स पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव बनेगी। अगर टेन की सीरीज आई तो पहली पॉजिटिव है तो लास्ट की नेगेटिव बनेगी। कारण देखो इसका क्या है, क्योंकि जब उसने फोर टर्म्स दिया चार पद, और अगर उसने चार पद दिए तो कभी भी ऐसे आंसर आ सकते हैं क्या उनके? क्योंकि आप ही सोचो, ये था साढ़े बाईस, साढ़े बाईस, साढ़े बाईस का तीन गुना,
साढ़े बाईस का पांच गुना, चलो और आसान आपको बताते हैं। ये क्या था, ये साढ़े बाईस, ये वाला साढ़े बाईस, ये साढ़े बाईस का तीन गुना साढ़े सड़सठ, ये साढ़े बाईस का हो जाएगा कितने गुना, पांच गुना, तो बाईस पंजे एक सौ दस और ढाई पंजे कितना हो जाएगा, एक सौ बारह। तो ये साढ़े बाईस का पांच गुना होगा, बाईस पंजे एक सौ दस और ढाई, एक सौ साढ़े बारह, तो ये गया एक सौ साढ़े बारह, और ये कितने गुना गया, सात गुना, तो ये कितना होगा आपका, बाईस सत्ते कितना हो जाएगा, चौवन और तीन सत्तावन, साढ़े सत्तावन, ठीक। ये गया, एक चीज आप ही देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा साढ़े बाईस का, ये सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रिजल्ट देगा साढ़े बाईस का, ये थर्ड क्वाड, ये कौन सा, सॉरी ये भी फर्स्ट था ना तो पॉजिटिव देगा, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और कोस में सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रिजल्ट आता है, नेगेटिव, और ये भी कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, कोस में सेकंड क्वाड्रेंट कैसा रिजल्ट देता है, नेगेटिव। अभी बताओ दो पॉजिटिव दो नेगेटिव तो कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा जीरो। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि दो रिजल्ट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है प्लस देंगे, और दो रिजल्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस के तो माइनस देंगे। और क्यों याद रखोगे ऐसा, क्योंकि ये भी साढ़े बाईस का रिजल्ट है और ये भी साढ़े बाईस ही रिजल्ट होगा, क्योंकि साढ़े बाईस का ही मल्टीपल है ना, तो साढ़े बाईस के मल्टीपल है तो रिजल्ट तो सारे साढ़े बाईस के आने हैं ना भाई, क्या कर रहे हो तुम, सारे कट पिट के जाओगे क्या यहां से आज, ठीक है। चलो लो लो लो, चलो भाई, तो साढ़े बाईस के हिसाब से करना है। चलो आप इसमें ये क्वेश्चन बताइए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है साइक्लिक, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो अगर एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप इसमें क्या करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ए बी सी डी, ए और सी का जो सम होता है वो होता है, वो होता है 180, और बी और डी का जो सम होता है वो भी 180, ये साइक्लिसिटी कहती है। अब आपको क्या बताना है, इसका रिजल्ट बताना है, तो बिल्कुल आसान है, कोस ए को कोस ए ही रहने दो, कोस बी को कोस बी रहने दो, सी को क्या लिख सकते हो, सी को यहां से, सी को कोस 180 माइनस ए, और डी को क्या लिख सकते हो मात्र इतने को, डी को कोस 180 माइनस बी, ठीक। अब एक बात बताओ, कोस 180 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का कोस ए, और कोस 180 माइनस बी का माइनस का कोस बी, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पर कैंसिल आउट हुए और ये कैंसिल आउट होकर आपका रिजल्ट आया कितना, जीरो, ठीक है। तो भाई जो छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले हैं अगर वो आपको, देखो ज्यादातर क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, और क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेंट ही नहीं आता, क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले आपके याद नहीं है, और अगर क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले आपके याद नहीं है तो भाई फिर तो बताओ ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, फिर तो बस यही है कि मैं कराता जाऊंगा और आप करते जाओ, इसके अलावा कोई तरीका फिर हमारे पास भी नहीं है। चलो इसको आप कर लोगे सीधा क्वाड्रेंट बेस है, ये भी वैल्यू बेस है सीधा, ये पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, पाई होता है 180, कोस 180 प्लस ए, कोस 180 माइनस ए, कोस माइनस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, सीधा है फॉर्मूला। क्वाड्रिलेटरल, अभी अभी क्वाड्रिलेटरल का केस मैंने आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल का केस अभी अभी मैंने बताया था, क्वाड्रिलेटरल में ए और सी का सम कितना था, ए और सी का सम 180 था, ठीक है ना, ए और सी का सम। तो पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको या तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, देखो चलो डिटेल में भी बता ही देता हूं वरना आप कहोगे कुछ बता ही नहीं रहे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक, ये हो जाएगा टू साइन, यहां पे अगर आप या तो देखो ए का मान रखोगे, ए का मान रखोगे तो 180 माइनस सी में रखोगे, या फिर आप क्या करो ये फॉर्मूला लगा लो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू लगाओ, जब इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा तो टू साइन सी प्लस
डी बाई टू। अब देखो अगर आप सी प्लस डी बाई टू करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। अब अगर मैं इसको लिख दू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू, तो इसमें तो सारे के सारे का रोल आ गया, जबकि अगर इनको आपस में कैंसिल आउट करना था तो कैंसिल आउट ये कब हो सकते हैं, जब आप यहां पर किसी का रिजल्ट रख लो। कैसे, यहां पर आप रख सकते हो ए का रिजल्ट क्या रख सकते हो 180 माइनस सी, और प्लस में क्या है बी को भी क्या लिख सकते हो आप 180 माइनस डी, तो ये भी आपका हो जाएगा, पहला ये हुआ और दूसरा हुआ 180 माइनस डी। तो ए का मान ये रखा, बी का ये रखा। अब इसको ध्यान से देखो कितना बना, ये बना साइन 180 प्लस 180 360 माइनस सी प्लस, इससे तुरंत हो जाएगा आपका सीधा आंसर आएगा, ये देख लो ठीक है। वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, अभी आप इससे देखो ए का मान क्या रखा 180 माइनस सी, बी का मान क्या रखा 180 माइनस डी, तो ये जुड़ के कितना हुआ साइन 360 माइनस सी प्लस डी हो गया। अब एक बात बताओ साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, यानी माइनस का सी प्लस डी और प्लस का साइन सी प्लस डी, ठीक ये कट गया। या फिर ऐसा करते, आपको पता है साइक्लिसिटी में क्या होता है, यहां पर क्वाड्रिलेटरल का रोल दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल में आप ये भी कह सकते थे ए प्लस सी कितना 180 और बी प्लस डी कितना 180, तो ए का मान भी क्या रख लेते 90 और सी का भी क्या रख लेते 90, ए का भी 90 सी का भी 90 बी का भी 90 डी का भी 90, या फिर क्या कर लेते ए का 60 सी का 120 बी का 60 डी का 120, तब भी हो जाएगा। तो या तो वैल्यू रखो, और अगर वैल्यू नहीं रख रहे हो तो फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करते हो तो फिर सीधा क्या करो, वैल्यू पुट करते हो एक तरीका और है, क्योंकि ये क्या दिया उसने क्वाड्रिलेटरल, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल दिया तो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो सारे एंगल क्या मान लो 90 मान लो सारे, अगर सारे 90 मानो तो ए प्लस बी कितना 180, सी प्लस डी कितना 180, साइन 180 का मान क्या होगा 0, कोस 100 साइन 180 का यहां भी क्या होगा 0, ठीक है। इसमें आप बताओ क्वेश्चन नंबर 40 में आपको सीधा क्वाड्रेंट की हेल्प से एक्स का मान बताना है, इक्वल में यहां पर इसने 0 कैसे आ जाएगा जब तक इक्वल नहीं है, इक्वल टू यहां पर जो दिया हुआ है आपको वो 0 है, तो इक्वल टू 0 है इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है इसके हिसाब से आंसर बताना है। चलो शुभम मिश्रा भाई फॉर्मूले याद कर लेना, एक क्लास और करा दूंगा, ये डाल दूंगा आपकी टेलीग्राम में पीडीएफ, जो जो डाउट रहेंगे डाउट ले लूंगा आपके, अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फिर तो समझ में आएगा ही नहीं, बताओ क्या करें। ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम में डाल दूंगा, और जो जो फॉर्मूले आपके याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना, तभी क्वेश्चन होगा। इसको लिख लो आप, ये हो जाएगा x कोट 90 प्लस थीटा को क्या लिखोगे, कोट बदलेगा 10 में, सेकंड क्वाड्रेंट है माइनस का 10 थीटा, ठीक प्लस यहां पर 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 10 90 प्लस थीटा माइनस का कोट थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा सेक थीटा, ठीक है। इज इक्वल टू में यहां तो फिर इसके 0 नहीं होगा यहां पे, क्योंकि अगर 0 होगा तो वैल्यू पूरी निकल ही जाएगी, लेकिन अगर यहां पर देखे साइन से ये कोस अपोन साइन 1 अपोन सेक कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा होगा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है पूरा, हाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो यहां पर उसने x का मान पूछा था, इसका मतलब जो इज इक्वल टू में 0 दिया है ना यहां पर, ये 0 नहीं, यहां पर फिर कुछ और होगा, अभी हमने रखा है 0, तो इसकी जो राइट साइड है, राइट साइड अभी हमें नहीं पता है कि राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड के अनुसार ये क्वेश्चन सोल्व होगा फिर, ठीक है। चलो इसमें राइट साइड जो है वो तो मैं फिर जो आप पीडीएफ डालूंगा उसमें पूरा ये
करेक्शन करवा के डाल दूंगा, पीडीएफ जो होगी ठीक। तो आप एक काम करो, क्योंकि अभी तो आपके भी फॉर्मूले याद नहीं भाई, फिर तो पढ़ाने में मेरा भी मजा नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन देखो कितने हैं, और इसमें सारे क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस है। ऊपर वैल्यू पुटिंग थे 30 क्वेश्चन। तो आप पहले जो पीडीएफ मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो फॉर्मूले की पीडीएफ पहले याद कर लेना, और फॉर्मूले याद करके टोटल इसमें आपका क्वेश्चन है 105, और कुल मिलाकर पार्ट है, बीच में कुछ क्वेश्चन के पार्ट है, अगर पार्ट को भी काउंट करोगे तो 200 क्वेश्चन है इसमें टोटल ठीक है। तो पीडीएफ 200 के 200 क्वेश्चन की मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, और फिर या तो इसको परसों ले लूंगा जो भी आपका डाउट सेशन होगा ठीक है। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो गए भाई, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे बिना फॉर्मूले के, बाकी अदर चैप्टर कर सकते हो कोई भी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे ठीक है। चलो ठीक है, तो फॉर्मूले याद कर लेना, मैं डाल दूंगा अभी। तब तक मैं वाई ग्रुप की मेंसुरेशन की क्लास करा दूंगा, जब तक आप इसको सोल्व कर लेना, फिर मैं इसको संडे में ही कराऊंगा तो ठीक है। तो चलो यहां तक रखते हैं आज।